सुविधा हो गई, मन स्वस्थ, सुखी समझदारी से सुखी होना हो गया, और प्रमाणित करना न्यायपूर्वक, प्रमाणित करना धर्मपूर्वक, प्रमाणित करना सत्यपूर्वक। अच्छा लिखा, मैंने बोर्ड अच्छा बनाया है? खिचड़ी पर इसको खिचड़ी दिख रही है। तो मानव की परिभाषा हमने पूरी किया, ठीक है, आगे बढ़े। तो निष्कर्ष क्या निकला? हम अभी तक मानव को क्या मान रहे थे और क्या सामने आया, क्या फर्क है दोनों में? दो मिनट में लिख डालिए। अभी तक हम मानव को क्या मानते थे, स्वयं को क्या मानते थे, है ना, और एक आपका अस्तित्व क्या है, मेरे खुद के खुद का वजूद क्या है, उसके हम कितना नजदीक पहुंचे। मैंने पहले भी कहा कि खुद को मानव के रूप में नहीं पहचान पाएंगे तो ना हम पत्नी हो पाएंगे ना हम पति हो पाएंगे, सब केवल पैकिंग है, मटेरियल गायब है। हाँ जी बोलिए, क्या लिख डाला माइक? आपको मैं मशीन समझ रही थी, पहले जिंदा थी, आज अपने आप को मानव समझ रही हूँ और जीने के रूप में समझ रही हूँ। बढ़िया। स्टैंडर्ड पे हम लोग पहचानते थे और मेनली सेल्फ सेंटर्ड और मनी ओरिएंटेड थे बेसिकली। आई थिंक सबकी वही दौड़ लगी हुई थी जीने के लिए, सॉरी जिंदा रहने के लिए। और अभी नया डेफिनेशन जो उभर के आ रहा है कि नेचर का ये सबसे इवॉल्व स्पीशीज है और उसका उसको काम खुद के सेल्फ के साथ करना है, दूसरे ह्यूमंस सोसाइटी और नेचर के चार एलिमेंट्स के साथ करना है फॉर देयर कंटिन्यूड इम्प्रूवमेंट। मानव बनना और मानव बनाना यही मुख्य काम है, बाकी खाना पीना। लगता था कि हर एक मानव अलग अलग है, अभी ये थोड़ा क्लियर होके आया कि हम सब एक ही है, एक ही जैसे, कोई ज्यादा खास अंतर नहीं, अंतर नहीं है खास। बहुत बढ़िया। ये जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, जो किसी को भी देख के अजनबीपन का एहसास नहीं आता, मेरे जैसा है, ये हमको बहुत कॉन्फिडेंस भी देता है और बहुत आराम भी देता है। बहुत बढ़िया, गुड। हेलो, पहले मानव को गलतियों का पुतला ऐसे मानते थे, गलतियों का पुतला है, पराया दर्द अपना है, ऐसा बहुत सारा कहानी के साथ। हाँ, और अब लगता है कि मानव गलतियों को स्वीकार ही नहीं करता है। हाँ, समझ पूर्वक न्याय धर्म सत्य को परिवार और समाज में प्रमाणित करने वाली इकाई मानव। बस शानदार, बहुत बढ़िया, दम लगाओ दबा के। उन सारी परिस्थितियों को धन्यवाद दो, उन सारे दुखों को धन्यवाद दो, उन सारे लोगों को धन्यवाद दो
जिन्होंने आपको यहाँ तक धक्का मारा। एक हमारा दोस्त है, उसने इकोनॉमिक्स पे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट और ट्रेनिंग प्रोग्राम इवॉल्व किया, तो कंपनीज में जाके हमसे बात करते हैं कि मेरे पास ऐसा प्रोग्राम है, तो जिनकी ठीक चल रही होती है वो बोलते हैं अभी हमारी ज़रूरत नहीं, और जिनकी प्रॉब्लम में चल रही होती है बोले अभी हमारी प्रॉब्लम है, तो कुल मिला के सुनना नहीं। तो मेरे को लगता है कि आदमी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम का आना एक सौभाग्य है, क्योंकि प्रॉब्लम आती है तो उसके सॉल्यूशन के लिए कहीं ना कहीं दौड़ेगा, और दौड़ेगा तो कुछ ना कुछ मिलेगा, नहीं तो बच्चों की तरह टॉफी चॉकलेट खा के ज़िंदगी निकल जाएगी। और वो फल रहता है ना, फल फ्रूट, उसको दवा नहीं पड़ता है तो उसका रस निकलता है, दांत में रख के दबाएं कि मिक्सी में दबाएं कि कुछ भी दबाएं, तो ज़िंदगी भी एक फल है। जब तक उस पर परिस्थितियों का घटनाओं का दबाव नहीं पड़ता है ज़िंदगी का रस भी नहीं निकलता। तो तमाम विपरीत घटनाएं हमारे लिए ज़िंदगी रूपी फल को दबाने के लिए है, ताकि उसका रस निकलेगा और हम आगे बढ़ेंगे। बढ़िया, गुड, चलो आगे। चलो कहाँ पहुँचे, तो इतनी क्लैरिटी हमारी बनी कि मानव की परिभाषा पे हमने बात किया, और हमने बात किया कि मानव की पहचान है कि वो मानव है, कि वो न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीता है, न्याय धर्म सत्य को प्रमाणित करता है। अभी कैसा जीता मानव, अभी भोग बहुभोग अति भोग पूर्वक जीता है, लास्ट में क्या करेगा, एक द्वीप खरीदेगा और क्या करेगा। तो कुल मिला के एक ही लक्ष्य है कि भोग पूर्वक जीता है, इसी को जिंदगी मानता है। तो देखिए जितनी चर्चा हमारी अभी तक हुई उसमें हमने न्याय की तो हमारी क्लैरिटी बन गई, धर्म थोड़ा सा एक उलझा हुआ सब्जेक्ट है, टॉपिक है, तो थोड़ी धर्म पे बात कर लेते हैं। तो धर्म क्या है, धर्म क्या है, न्याय धर्म सत्य। तो न्याय धर्म सत्य की जितनी हमारी क्लैरिटी हो जाएगी उतना हम मानव के रूप में जीने के नज़दीक आ जाएंगे, उतना हम अपने वजूद को अपने अस्तित्व को मानव के अर्थ में पहचान पाएंगे। तो न्याय के बारे में हमारी कुछ क्लैरिटी बनी है, थोड़ी सी धर्म को देखते हैं, फिर थोड़ा सत्य को देखते हैं, फिर देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। तो धर्म क्या है, धर्म क्या है, तो अभी तक धर्म वो शब्द है जिसके नाम पे हमने शांति का पैगाम देने की कोशिश की है, और जिसके नाम पे सबसे अधिक युद्ध हुए हैं, हो रहे हैं, आगे भी होते रहे हैं। परिभाषा अपनी जगह है, सच्चाई अपनी जगह है, मतलब जो घट रहा है वो अपनी जगह है। तो इससे समझ में आए कि धर्म को समझने में कुछ गैप हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है। तो एक तो ये भी समझ में आता है कि धर्म अपने आप में बहुत सेंसिटिव इशू है, तो पहले ये भी समझना है कि धर्म अपने आप में इतना सेंसिटिव इशू क्यों है, धर्म अपने आप में इतना सेंसिटिव इशू क्यों है। तो ये बोला कि मानव अपनी पहचान के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। मानव की पहचान के 5 आयाम हैं, जिसको हमने कहा रूप, बल, धन, पद और बुद्धि। इसमें से रूप, बल, धन, पद भौतिक है, शरीर से जुड़ा हुआ है। ये बुद्धि वाला जो क्षेत्र है, धर्म किस में आएगा, रूप, बल, धन, पद में आएगा कि बुद्धि का क्षेत्र है, तो रूप धर्म बुद्धि का क्षेत्र है। और ऊपर वाला माला खाली है, इसका मतलब यह हुआ कि धर्म मेरी पहचान का सबसे गहरा आधार है, और जिसकी मेरी क्लैरिटी नहीं है, तो कोई चीज मेरी पहचान का सबसे गहरा आधार है
और उस पर मेरी क्लैरिटी नहीं है, तो यदि उस पर कोई हाथ रखता है तो मैं बहुत जोर से कुछ बिलाता हूँ या मैं बहुत जोर से रिएक्ट करता हूँ, क्योंकि वो जेन्युइन है कि वो मेरी पहचान का सबसे गहरा आधार है। धर्म को लेके जो क्लैरिटी हमारे सामने आई है, जो कुछ कहा जाता है उसको ऐसे बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बुद्धि पे हमने, मानव जाति ने अभी तक बुद्धि पे काम किया नहीं है। हमारी पूरी वर्तमान शिक्षा मेमोरी और लॉजिक पे बेस्ड है। बुद्धि वो फैकल्टी है जहाँ एग्जिस्टेंस में जो नेचुरल लॉज हैं उसके हम साक्षात्कार करते हैं, उसको हम पहचानते हैं, तो वो एरिया अभी हमारा पहचाना हुआ नहीं है, है ना। जैसे कि हमने शिविर में चर्चा किया कि सामान से सम्मान की तलाश, सुविधा से सुख की तलाश, तो बुद्धि वाला क्षेत्र छूटा हुआ है। इसलिए धर्म हमेशा एक रहस्य है और वो मेरी पहचान का सबसे गहरा आधार है, इसलिए वो सेंसिटिव है। धर्म के बारे सबसे जो स्थापित परिभाषा है उसको बोल रहे हैं कि धार्यते इति धर्म, जिसको धारण किया जाए या जो धारण करने योग्य है उसका नाम धर्म है। और धर्म को हमने लक्षणों के आधार पर पहचाना और 10 लक्षणों की बात कही हिंदू परंपरा में। कोई मैं कहीं शिविर करता हूँ तो कोई कौन सी परंपरा थी वो, उनके यहाँ 29 लक्षण हैं, किसी के यहाँ 29 लक्षण हैं, कहीं वो 10 वो हैं टेस्टामेंट्स, क्या बोलते हैं, है ना, 10 कमांडमेंट्स हैं, है ना, तो कहीं 10 कमांडमेंट्स हैं, कहीं 10 लक्षण हैं, कहीं 29 लक्षण है, कोई 5 भी निकाल के ला सकता है, कोई 25 भी निकाल के ला सकता है। जैसे 10 किसी को याद है कोई है, कुछ पता नहीं है, बेकार में हिंदू कहलाते हैं, है? है? हाँ पता कुछ नहीं, नहीं पता नहीं है वही ज्यादा लड़ेगा, क्योंकि वही इनसिक्योरिटी ज्यादा है, जहां इनसिक्योरिटी ज्यादा है वही रिएक्शन ज्यादा है। यदि मेरे को धर्म की समझ है तो मैं आपको कुछ बोलने से प्रभावित नहीं होता, जैसे अपने गुरु के लिए वही लोग ज्यादा लड़ते हैं जिनको गुरु की समझ नहीं होती। मान लिया मेरे गुरु को किसी ने गाली दिया, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, गुरु को उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, और यदि गुरु को फर्क पड़ता है तो फिर गुरु नहीं है, सोचने वाला ऐसा सोचेगा। और जो मन के लेवल में जीता है, जो केवल आस्था में जीता है, गुरु को गाली दे दिया वो तलवार निकाल दे, है ना। तो इसका मतलब है कि आप भगवान को गाली दो, प्यार करो, इससे भगवान को क्या फर्क पड़ता है, कोई भगवान नाम की चीज होगी तो, और पढ़ता तो फिर भगवान किस बात का है। धैर्य, क्षमा, संयम, अस्तेय, मतलब चोरी ना करना, धीरे 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 एक एक करके तुम्हें शब्द बोलो फिर मैं बोलूँ। धैर्य, धैर्य, ठीक है, हाँ। क्षमा, क्षमा, संयम, संयम, अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, पवित्रता, पवित्रता, इंद्रियों पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण, बुद्धि, बुद्धि, ज्ञान, 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 सत्य, सत्य, क्रोध ना करना, क्रोध ना करना, ठीक हो गया। ये 10 लक्षण है। अब कोई 15 भी पहचान सकता है, कोई दूसरे धर्म वाला, ऐसे 10 लक्षण और पहचाने जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जब हम लक्षणों से पहचानने की कोशिश कर रहे हैं तो ये भी माना ही गया, धार्यते इति धर्मा, ये हैं जिनको धारण किया जा सकता है। तो ये एक व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार है कि वो किस धर्म को फॉलो करे। तो सभी धर्मों में धारण करने योग्य कोई अच्छी चीज़ें हैं जिनको धारण किया जा सकता है। तो आज कोई व्यक्ति हिंदू हो सकता है, कल मुस्लिम हो सकता है, परसों जैन हो सकता है, बौद्ध हो सकता है, ईसाई हो सकता है, वापस हिंदू हो सकता है। तो कई सारे सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, है ना, तो जो सॉफ्टवेयर चाहे उसको डाउनलोड कर सकता है और उसके आधार पर ज़िंदगी जी सकता है, ऐसी बात क्या है। और ये भी नेचुरल है कि जो जिस धर्म को मानता है उसको अच्छा मान के फॉलो करता है कि उसको अधूरा मान के फॉलो करता है, अच्छा ही मान के फॉलो करेगा।
और जो जिसको अच्छा ही मानता है दूसरों तक पहुंचे ऐसा भी मानता ही है। तो सभी धर्म अपने आप को फैलाना चाहेंगे कि अपने आप को सिकोड़ना चाहेंगे? फैलाना चाहेंगे तो आमने सामने आएंगे, और आमने सामने आएंगे तो अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। तो इस रूप में जितने आप पाएंगे कि जितने नए धर्म हैं, जितने कम संख्या वाले हैं, उनमें इनसिक्योरिटी ज्यादा पाई जाती है, और जितनी इनसिक्योरिटी ज्यादा होगी उतना वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड भी होते हैं। जैसे सबसे नए धर्म के रूप में जिसको धर्म बोलते हैं, है कि नहीं है ये अलग डिबेट का इशू है, जैसे सिख धर्म मात्र 300 साल पहले, और सिख धर्म क्या है, है ना, कभी किसी काल में युद्धों से हिंदुओं की रक्षा करने के लिए ही हिंदुओं में से कुछ लोग, परिवार से, हर परिवार से एक लड़का मांगा गया और वो मिला के सिख हुए, तो हिंदुओं में से ही निकले हुए लोग हिंदुओं की रक्षा के लिए, ऐसा सिखिज्म का उदय हुआ। आज वो एक धर्म के रूप में अलग से पहचाना जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जितनी माइनॉरिटी होगी, माइनॉरिटी हमेशा ऑर्गेनाइज होगी, और जो जितना अधिक संख्या में होता है उसको कोई अपना फियर नहीं होता है तो वो ऑर्गेनाइज भी नहीं होता। तो इस रूप में देखेंगे तो धर्म को 10 लक्षणों के आधार पर पहचाना गया, तो सभी धर्मों में अच्छी चीजें हो सकती हैं, इसलिए धारयते इति धर्मा, इसलिए भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, का मतलब है कि घोषित रूप से भारत का संविधान किसी धर्म विशेष को फॉलो नहीं करता। जो लिखा होता है उसका इंटरप्रिटेशन कैसा होता है? जैसा आप झूठ ना बोले तो झगड़ा ना करे, तो आपको भी दूसरों से झूठ नहीं बोलना चाहिए, और झगड़ा और झूठ नहीं बोलने से, झगड़ा नहीं करने से जिंदगी समझ में नहीं आती, सब गोल गोल हो जाता है। तो पहली बार आपका ये ध्यान जाएगा कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, उनमें बहुत सारी अच्छी बातें लिखी हैं। अभी तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, अभी तो उंगली इतनी ऐसी ऐसी चलती है बस, और कुल मिला के कोई दिन शरीर चल देता है। गलत है तो इसको ना करें। आत्मा यही बोलती है, पैसा किधर से आएगा, भोग किधर से आएगा, बड़ी गाड़ी किधर से आएगी, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। हिंदू मुस्लिम या छोटी जाति बड़ी जाति या अमीर गरीब के नजरिए से ना देखे, सिर्फ ये देखे कि ये अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है। तो केवल उपदेश व्यक्त किया, उससे मेरा चित्त नहीं बदल जाता ना, मैं वही देखूंगा जैसा मेरा चित्त है। ये भाषा काम करती नहीं है। मैं भी आपको कह सकता हूँ आपको बुरे विचार मन में नहीं लाने चाहिए, ये क्या है, ये गर्म हवा है, गर्म हवा कभी ऊपर से निकलती है कभी नीचे से निकलती है, गर्म हवा का कोई मीनिंग नहीं, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, ये चाहिए वाहिए कुछ जिंदगी में काम आता नहीं। एक छोटी सी चीज को हैंडल करने के लिए क्या ताकत लगती है, जब हैंडल करना शुरू करते हैं तब आपको पता चलता है। ठीक हो गया, और कुछ कहना है? फिर एक बस श्लोक है, धृति क्षमा दमोस्ति, वो 10 लक्षणों वाला, हाँ वही, वो 10 लक्षणों वाला श्लोक है। तो क्रोध कहाँ से आता है, क्यों आता है, कैसे हैंडल होगा, जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे, जब तक मानव नहीं हो जाएंगे, क्रोध इस बात की सूचना है कि तुम अभी मानव नहीं हो, बस इतनी सी बात। तो सूचना मिलती रहेगी, नहीं मिलती रहे, मिलती रहे तो मैं मानव हो जाऊंगा तो क्रोध अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए क्रोध की परिभाषा दिया कि अपनी अक्षमता का प्रदर्शन ही क्रोध है, अपनी अक्षमता का प्रदर्शन ही क्रोध है। मैं योग्य नहीं हूं, मैं अक्षम हूं, मैं कमजोर हूं, मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, मैं कोई चीज को हैंडल नहीं कर पा रहा हूं, उसकी प्रतिक्रिया का नाम क्रोध है। तो चलिए, तो ये हुआ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो अपने को प्रॉब्लम ठीक से पकड़ में आए, फिर अपन सॉल्यूशन की बात कर सकते हैं कि हाँ अब सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन क्या है, तो प्रकृति में धर्म का स्वरूप कैसा है, नेचर में देखने गए तो पता चला जिसको, जिससे अलग ना किया
जा सके वह उसका धर्म है, जिसको जिससे अलग ना किया जा सके वह उसका धर्म है। क्या मतलब? यदि पदार्थ अवस्था को देखें तो उसको क्या चीज से अलग नहीं किया जा सकता है? उसके होने को नष्ट नहीं किया जा सकता है, उसका जो अस्तित्व है उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। पेन को आग लगा दो, शरीर को आग लगा दो, है ना, जिन अणु परमाणुओं से मिलकर शरीर बना है वो राख बन जाएगा, हवा में उड़ जाएगा, लेकिन वो अणु परमाणु को हम खत्म कर दें इस अस्तित्व से, ऐसा हमारे पास कोई तरीका नहीं है। तो पदार्थ अवस्था के बारे में कहा कि होना उसका धर्म है, पदार्थ अवस्था का धर्म होना है। यदि पेड़ पौधे की बात करें, प्राण अवस्था की बात करें, तो बेसिकली होना तो ही है, होने के साथ साथ पुष्टि उसका धर्म है। पुष्टि का मतलब ग्रोथ। यदि कोई पौधा होगा तो वो कोशिकाओं से मिलके बना होगा, कोई शरीर होगा तो कोशिकाओं से मिलके बना होगा, कोशिकाओं से बनी हुई कोई रचना है तो उसमें ग्रोथ होगा ही, सेल मल्टीप्लिकेशन होगा ही। तो ग्रोथ को नहीं रोका जा सकता है, हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम दो तीन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे बीज हमने जमीन में लगाया और बढ़िया बीज फूटा, दो पत्ती निकली, और दो पत्ती देख के आपको उससे प्यार हो गया, बस ये दो ही पत्ती रहे, तीसरी मत आए, ये नहीं हो सकता। तीसरी पत्ती आएगी, और आपने देखा होगा बॉन्जाई प्लांट्स में 2 फुट का पौधा 25 साल का फ्रूट देता है कि नहीं देता है? फ्रूट तक जाएगा ही, उसको रोका नहीं जा सकता। आपने उसकी जड़ें काट काट के साइज कम कर दिया तो फाइनली उसने अपना भोजन कम मिला तो साइज छोटा कर दिया, लेकिन फ्रूटिंग तक गया, इसको नहीं रोका जा सकता। इससे भी बढ़िया एग्जांपल है, आपके घर में बच्चा आया, और बच्चा तो हमारे लिए बायोलॉजिकल टॉय है, खिलौना है, मन लगता है उसके साथ, जब तक हंसे खेले कूदे तो मेरे साथ खेल, जब रोए तो बाई को दे दिया, जा तो ले जा, जब हंसेगा फिर ले आ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको उस बच्चे से प्यार हो गया, आपके मन में आ गया बस इतना ही रहे और मत बढ़े, 50 साल तक ये 2 ही साल का रहे, ऐसा हो पाएगा? तो इससे ये समझ में आ गया कि कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर है, कोशिकाओं से बनी हुई कोई भी इकाई है, उसकी ग्रोथ को रोक सके ऐसा हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं। सेल मल्टीप्लिकेशन होगा, ग्रोथ होगी, जवान होगा, बूढ़ा होगा, मरेगा। इसका मतलब है कि अब जितने भी शरीर हैं, चाहे मानव का शरीर है, चाहे पेड़ पौधे का शरीर है, चाहे पशु पक्षी का शरीर है, सबके साथ ये प्रिंसिपल लागू हो गया कि वो कोशिकाओं से बनी हुई रचना है तो उसमें ग्रोथ होगा, तो शरीर की बात यहाँ खत्म हो गई। अब यदि पशु पक्षी की बात करते हैं, हम जीव अवस्था की बात करते हैं, तो अब हम शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, शरीर में तो होना है ही है, होने के साथ में पुष्टि है ही है, इसके साथ में अब आचरण की बात करेंगे, जो वहाँ मैं है, जो जीवन है उसकी बात करेंगे, तो वहाँ पे जीने की आशा है। तो कोई भी पशु में जीने की आशा बेसिकली उसके जिंदा रहने की आशा है, उसके लिए जिंदा रहना ही जीना है।
तो कोई पशु हो और उसमें जीने की आशा ना हो, ये संभव नहीं। पशु होगा तो उसमें जीने की आशा होगा ही। उसी तरह से अब यदि मानव की बात करें, ज्ञान अवस्था की बात करें, ज्ञान अवस्था की बात करें तो मानव की बात करें तो मानव का शरीर तो इतना ही है कि उसमें होना है, उसमें एटम मॉलिक्यूल है तो उसमें पुष्टि होगा ही, यहाँ तक ठीक है। जब जीवन की बात करेंगे तो बेसिकली उसमें सुखपूर्वक जीने की आशा है। तो यहां से ये समझ में आया कि यदि कोई मानव होगा, है, जिंदा मानव है तो उसमें सुखपूर्वक जीने की आशा है ही, उसकी आशा को खत्म नहीं किया जा सकता। और किसी कारण से किसी मानव में सुख की आशा टूट गई तो क्या होगा? उसको सुखी होने की आशा नहीं रही तो क्या होगा? है? उसी क्षण वो पंखे का सदुपयोग करेगा। जीने की आशा अगर नहीं रहेगी तो तत्काल सुसाइड करेगा। तो सुसाइड करने का एक ही मतलब हुआ कि उसको अपने जीवन में सुख की आशा टूट गई। बल्कि यदि आप थोड़ा ऑब्जेक्टिवली देखेंगे तो जो भी व्यक्ति सुसाइड करता है उसका शरीर स्वस्थ होता ही है ना। एक संबंध मान लो खराब हुआ, बाकी संबंध ठीक होते ही हैं, लेकिन एक संबंध में भी सुख की आशा टूट गई तो भी वो उसको सुसाइड करने के लिए काफी है। बढ़िया, तो हमारी क्लैरिटी बनी कि मानव को क्या चीज से अलग नहीं किया जा सकता? सुख से अलग नहीं किया जा सकता। तो यहां हमारी ये क्लैरिटी बनी कि मानव क्या है। तो मानव बेसिकली जितनी चर्चा हुई उससे ये निकल के आया, मानव सुख धर्मी है। सुख मानव का धर्म है, क्योंकि सुख से मानव को अलग नहीं किया जा सकता। और धार्मिक मानव कैसा होगा? एक मानव धार्मिक है, उसकी पहचान क्या होगी? वो सुखी होगा। और कोई मानव सुखी है, इसकी पहचान क्या होगी? समाधान है, उसकी पहचान क्या होगी? कोई मानव के पास समाधान है तो वो न्याय धर्म सत्य पूर्वक जिएगा, और न्याय धर्म सत्य पूर्वक जिएगा तो उसका इतना ही मतलब हुआ कि वो मानव लक्ष्य के अर्थ में अपने तन का, अपने मन का और अपने धन का सदुपयोग करेगा। ऐसे मानव का नाम धार्मिक मानव। मानव लक्ष्य मतलब कितने लोग को याद नहीं है? कितने लोग को याद नहीं है? हाथ उठाओ, संकोच ना करो, कोई दिक्कत नहीं। तो कम से कम 3 शिविर और। देखो, इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है, याद हो जाता है ना। कभी आपकी पत्नी को देख के ऐसा लगता है आपको? कहीं देखे देखे लगती है। कभी अपने बच्चे के बारे में लगता है कि मैं कुछ भूल गया, नाम भूल गया है? 50-100 हो तो ऐसा करना पड़े। अरे पहले 50-100 नहीं, 2 रहते थे तब भी ऐसा करते थे, ध्यान नहीं देते थे।
इसका मतलब ये हुआ कि जिसको हम प्यार करते हैं उसके बारे में सब कुछ याद रहता है, उसको याद करना नहीं पड़ता। कितना बढ़िया। तो मेमोरी का बोझा वही है जिस चीज में आपको इंटरेस्ट नहीं। जो मेरी खुद की जिंदगी है उसमें कहाँ कुछ याद करना पड़ता है, मेरे गांव के बारे, मेरे शहर के बारे, मेरे देश के बारे, मेरे समाज के बारे, जहाँ भी हमको इंटरेस्ट है। तो सार ये निकला, तो मानव लक्ष्य क्या है कौन बताएगा? उठाओ माइक। ये याद किए बिना शिविर असफलता, स्वयं की परिवार के लिए उपयोगिता, स्वयं की समाज के लिए उपयोगिता और स्वयं की प्रकृति के लिए उपयोगिता। और मेरी उपयोगिता ही मेरी खुशी है, मेरी उपयोगिता ही मेरी पहचान है, वही मेरा सम्मान है, वही मेरा ये लोक है, वही मेरा परलोक है। तो इससे ये समझ में आया। और वो क्या है ये देखो, अभी नोट्स पढ़ के इतना ही बताया कि है क्या, अभी वो नहीं बताया। तो स्वयं की स्वयं के लिए उपयोगिता, फिर ढूंढो होने के लिए मेरी जरूरत है। सभी परिवार समृद्ध हो जाएं, सभी परिवार के लोग समझदार हो जाएं, सभी परिवार समृद्ध हो जाएं, ये मेरी जरूरत है भाई, है ना। क्यों मेरी जरूरत है? क्योंकि कल को मेरी बेटी किसी के घर में जाएगी, कल को मैं किसी की बेटी मेरे घर में आएगी, और मैं किसी के साथ व्यवसाय करूंगा, मैं किसी के साथ जीऊंगा, मैं किसी सड़क पे चलूंगा, है ना। यदि आदमी की समझ नहीं होगी तो कुछ भी उठपटांग करेंगे। तो इसका मतलब है कि धरती पे सभी मानव समझदार हो जाएं, सभी परिवार समृद्ध हो जाएं, समाज भय से मुक्त हो जाए, प्रकृति में संतुलन सुनिश्चित हो, बना रहे, इससे ज़्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। क्योंकि हर मानव किसी परिवार में पैदा होता ही है, वो किसी समाज में जी ही रहा है, जिंदा रहने के अर्थ में प्रकृति के साथ होता ही है। तो एक मानव के एक परिवार के सुखपूर्वक जीने के लिए मानव लक्ष्य का पूरा होना, ये हम सबकी कॉमन जरूरत है। तो मानव लक्ष्य सबके लिए एक है कि अलग अलग है? एक ही है। तो सभी मानव समझदार हो जाए इसके लिए कंटेंट एक है कि अलग अलग है? एक ही है। सभी मानव समृद्ध हो जाए इसके लिए समझ एक है, स्किल अलग अलग है, स्किल अलग अलग है। तो हमारी स्किल्स, तो हमारी भूमिकाएं अलग अलग होंगी, लेकिन लक्ष्य एक ही है कि फाइनली मानव लक्ष्य साकार हो जाए। तो मानव लक्ष्य के अर्थ में जो अपने तन मन धन का सदुपयोग करता है, निरंतर करता है, उसका नाम धार्मिक मानव है। तो सभा में से कितने लोग धार्मिक हैं? सभा में कितने लोग धार्मिक हैं? हैं कि होना चाहते हैं? हैं कि होना चाहते हैं? संतर को आप देखो तो पता चला कि हम होना चाहते हैं, अभी धार्मिक नहीं है। तो समझ में आया, हवन करना धार्मिकता नहीं है, चोटी रखना धार्मिकता नहीं है, जनेऊ पहनना धार्मिकता नहीं है, पूजा करना धार्मिकता नहीं है, रोजा रखना धार्मिकता नहीं है, मंदिर में घंटी बजाना धार्मिकता नहीं है, उपवास रखना धार्मिकता नहीं है, माला पहनना धार्मिकता नहीं है, किसी कलर विशेष का कपड़ा पहनने से धार्मिक नहीं होते है? क्या अभी मैंने आगे कहा बोला है? अभी नीचे वाला हाथ लगाया, ऊपर वाला कहाँ लगाया? इतने बड़े बड़े धर्म धर्म बहुत सेंसिटिव मामला है। इसका मतलब ये सब क्या है? ये सब धर्म है कि धर्म तक पहुंचने के रास्ते हैं, और रास्ता तब बोले जब पहुंचा दे। इसका मतलब ये हुआ कि ये धर्म तक पहुंचने का रास्ता है कि नहीं है, ये तो बात की बात है,
पर कम से कम अपने मन को संभाले रखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। ये मन बहुत चंचल है, इस मन को संभालना एक बड़ा काम है। और जो हैबिट फॉर्मेशन हुआ है, जो भी पूर्वाभ्यास और पूर्वाग्रह हमारे पास हैं, पूर्वाभ्यास मतलब इंद्रियों से सुखी होने के अभ्यास, पूर्वाग्रह मतलब पूर्व आग्रह, मेरी मान्यताएं, मेरी कंडीशनिंग, तो मेरी कंडीशनिंग और इंद्रियों से सुख पाने के दबाव, ये इतने जोर से पकड़ के रखे हुए हैं कि मन ही विचार को चलाता है, मन ही इच्छा को चलाता है, और फाइनली मैं मन के अनुसार चलने के लिए बाध्य होता हूँ। और गई भैंस पानी में, कब निकलेगी? कई शरीर यात्राएं पानी में रह सकती है, और रही ही है, रही ही है। कितने शरीर यात्राएं हमने ये धंधा किया होगा, किसी परिवार में पैदा हुए और रोते गाते स्कूल चले गए, उधर से रोते गाते मार खा के स्कूल से चले आए, एक उम्र आई शादी हो गई, शादी हो गई तो बाय डिफॉल्ट बच्चे आ ही जाते हैं, ठीक। अब बच्चे आ गए तो उनको भी, जो हमारे साथ किसी ने किया था हमने भी पूरा बदला लिया, तुम भी स्कूल जाओ। रैगिंग होती ना कॉलेज में, तो जिसके रैगिंग ज्यादा हो ही रहती है ना, वो जम के रैगिंग करता है। तो हमारी बहुत रैगिंग हुई थी, तो हमने भी आने वाली पीढ़ी की रैगिंग कर दी, जाओ स्कूल जाओ। थोड़ा सा ये लोग क्या बागी हो गए, रैगिंग करवाने से मना ही कर दिया, बागी हो गए, रिबेलियन है। हाँ नहीं, पेरेंट्स में भी कम हो गया, पेरेंट्स में भी अब बहुत पेरेंट्स डी स्कूलिंग की बात कर रहे हैं, होम स्कूलिंग की बात कर रहे हैं, टीचर को बोल के आते हैं पढ़े मत पढ़े, डांटना नहीं, बाकी हम देख लेंगे। पहले बोलते थे चमड़ी तुम्हारी दमड़ी हमारी, माल दवा के माल, अरे बहुत जम के पिटाइयाँ होती थी परिवारों में। तो बहुत एक दौर से मेरे को लगता है हमारी पीढ़ी ने बहुत को, हमारी पीढ़ी बहुत उपयोगी है, उसको इतना एक्सपोजर मिला है। मैं बुढ़ापे में लिखूंगा किताब, एक बुढ़ा हो जाऊंगा तब और क्या करूंगा। अरे जूते चप्पल झाड़ू नहीं, नॉर्थ इंडिया में मेरे को इधर का पता नहीं है, इधर का पता नहीं है कैसे पीटते थे, कैसे पीटते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि वो बच्चा जवान, हमारे कजिन भाई थे, उन्होंने घोषणा कर दी कि हफ्ते में एक पिक्चर देखूंगा ही तो इस कॉलेज जाऊंगा, वो भी बाकी। अब वो शरीर तगड़ा हो गया था, जवान आदमी, अब अकेला कैसे पीटे बाप। तो हमारे पिताजी लोग पांच भाई, एक से तो पिटेगा नहीं, चारों ने मिलके बांध के और दे दरा दर, और क्या। अरे आप क्या सोच रहे हो, हरियाणा में बाप अपने बच्चे को गोली मार देता है अपने हाथ से ऑनर के लिए, परिवार का आन बान, परिवार का सम्मान, परिवार की आन बान तुम्हारी जिंदगी से बड़ा है, तुम गलत कदम उठाओगे तुमको निपटा दिया जाए। ये भी ठीक है, अभी बहुत कम हो गया, बहुत न्यूनतम है, लेकिन यहाँ तक नहीं हुआ। तो इससे हमको ये ध्यान जाता है कि जिस तरह के वातावरण से हम निकल के आए हैं, उस तरह के वातावरण की सारी कंडीशनिंग किस लेवल की हो सकती है। इसलिए दर्शन में बढ़िया सूत्र है कि हर मानव गलती करने का अधिकार लेकर पैदा होता है, सही करने का अवसर और साधन लेकर पैदा होता है। तो जब तक मैं जिस चीज़ को ठीक मानता हूँ, है ना, हमने अपने बच्चों के साथ मारपीट की है तो उनको दुखी करने के लिए नहीं किया है ना, ये मारने पीटने से वो सुधर जाएंगे और उनका भविष्य बन जाएगा, तो पीट पीट के भविष्य बनाए। अभी धीरे धीरे समझ में आ गया पेरेंट्स को, भाई यार ये सब बिहेवियर ठीक नहीं है, इससे बात नहीं बन रही है, तो हमने छोड़ भी दिया। खैर तो कहाँ पहुंचे, तो ये समझ में आया कि अपने मन को मनाने के लिए किसी को पूजा पाठ में अच्छा लगता है आप पूजा पाठ करो, किसी को ध्यान ध्यान जो करना है करो, ये अपने मन को बहलाने का, अपने मन को थोड़ा नियंत्रित किए रखने के मेकेनिज्म हैं। जिस सीमा तक काम आते हैं
लेकिन फाइनली ये पता चला कि धर्म क्या है, धर्म क्या है, धर्म मंजिल है कि रास्ता है, धर्म मंजिल है कि मैं सुखी हो जाऊं, इसका नाम धर्म है, मैं अपने धर्म को पा जाऊं। तो ये जो इस परिभाषा में धर्म को पहचाना गया, पहले धर्म को कैसे पहचाना गया, पहले धर्म को लक्षणों के आधार पर पहचाना गया, अभी धर्म को होने के स्वरूप में पहचाना गया, होने का स्वरूप। ये बड़ा शिफ्ट है, धर्म को होने के स्वरूप में पहचाना गया। होने के स्वरूप को पहचाना गया तो हम एटॉमिक लेवल पे आ गए, लक्षणों में पहचाना तो हम किस लेवल पे पहचान रहे थे, लक्षणों के लेवल पे पहचाना तो इकाई की परस्परता में पहचान रहे थे, दो इकाइयों के बीच में कुछ हो रहा है, तो चोरी नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, इंद्रियों पे नियंत्रित रखना, इसको गुण बोलते हैं टेक्निकली, है ना। तो हम गुण के लेवल पे चीजों को पहचान रहे थे, गुण के लेवल पे चीजों को पहचानने की बजाय हमने एटॉमिक लेवल पे पहचानना शुरू किया, तो वहां आके स्थिरता आ गई, कोर में जाके पहचाना तो वो स्थिर हो गया, अब वो हिलेगा डुलेगा नहीं, अब होना मतलब होना ही है, इसमें क्या कर लोगे। तो धीरे से समझ में आया कि हमने धर्म को होने के स्वरूप में लक्षणों के आधार पर पहचानने की बजाय जब होने के स्वरूप में पहचाना तो धर्म स्थिर हो गया, अब कोई 10 लक्षण बोलेगा, कोई 5 बोलेगा, कोई 29 बोलेगा, इससे मुक्ति मिल गई। और जो हम 10 लक्षण बोल रहे थे वो इसमें शामिल है कि नहीं, जब मानव लक्ष्य के अर्थ में अपने तन मन धन का सदुपयोग करेगा तो क्या वो चोरी करेगा, क्या वो क्रोध करेगा। तो जितने भी 10 लक्षण की बात हम कह रहे हैं, दुनिया भर के सभी धर्मों में जितने लक्षण बताए गए हैं वो सभी लक्षण इसी में आ जाएंगे। तो पहले से कुछ कम कह रहे हैं कि ज्यादा कह रहे हैं, ज्यादा कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं जो अपने आप में स्थिर हो गया है। तो इससे एक और बात समझ में आया, मानव सुख धर्मी है इससे क्या समझ में आया, मानव सुख धर्मी है इससे क्या समझ में आया, सबको सुख चाहिए। तो इससे यह भी समझ में आया कि धर्म परिवर्तन असंभव घटना है, हम धर्म परिवर्तन के नाम पे क्या बदल रहे हैं, पूजा पाठ, किताब, कपड़े, है ना, चिन्ह प्रतीक, हमने चिन्ह प्रतीक, पूजा पाठ, कपड़े बदले, आदमी के सुखी होने की जो चाहना थी वो बदल दी क्या। तो यदि एटॉमिक लेवल पे पहचानने गए तो हमने कोर में जाके पहचाना, जिसको जिससे अलग ना किया जा सके वो उसका धर्म है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन हो ही नहीं कर सकता है, क्योंकि परिभाषा ही बोल रही है कि जिससे जिसको अलग ना किया जा सके। तो यहाँ पे आके धर्म स्थिर हो गया, तो मानव धर्म एक हो गया, तो मानव धर्म एक है, ये क्लैरिटी बनी, धार्मिक व्यक्ति की पहचान बनी कि जो मानव लक्ष्य के अर्थ में अब किसी भी धर्म का आदमी होगा फाइनली क्या करेगा, उसमें क्या आएगा, धर्म को धारण करने से, धर्म को स्वीकार करने से और उसको फॉलो करने से उसमें क्या चेंज आएगा, उसमें मानवता आएगी कि राक्षसी प्रवृत्ति आएगी, मानवता आएगी तो मानवता का मतलब है कि मानव के साथ जीना आ जाएगा। तो देखिए यही उस बात को पहचानने की जरूरत है, मेरे को लगता है कि ये लॉजिक बहुत अच्छा लगता है कि जैसे एजुकेशन ने एक अच्छा काम कर लिया कि आपने किसी भी बोर्ड से 12वीं किया, 12th किया, छत्तीसगढ़ बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, गुजरात बोर्ड, अब यदि IIT में एडमिशन लेना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको JEE देना, आप कोई भी बोर्ड से पढ़ के आओ, IIB से, कैम्ब्रिज से, आप JEE दे दो, पास हो गए तो एडमिशन ले लो। तो सारे बोर्ड को इक्वलाइज कर दिया, एक पैरामीटर पे ला दिया, और अब बोर्ड का अब उसी तरह से अब आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और धारणा ध्यान जितने भी तरह की प्रोसेस हैं, आप किसी से भी जाओ, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, क्या रिजल्ट अपेक्षित है, अच्छा मानव हो जाए, इंसानियत आ जाए, मानवता आ जाए,
यदि मानवता को नापने का कोई पैरामीटर हमारे पास आ जाए, जैसे भौतिक वस्तुओं के लिए ISI, ISO, सुना है कि नहीं, है ना? हम बजाज का पंखा खरीदते हैं ISI मार्क का, ताकि रोज रोज परेशानी मत हो। ज्यादा परेशानी हमको पंखे के कारण है कि आदमी के कारण है? पंखा ठीक नहीं है तो बदल देते, तो आदमी का क्या करें? तो आदमी का कोई ISI ISO होगा कि नहीं होगा? मानव की क्वालिटी का मापदंड, इसका अर्थ यह हुआ यदि हम कोई मानव की क्वालिटी का मापदंड को पहचान लेते हैं और वो यूनिवर्सल है, तो उसको बोल रहे हैं UHS, यूनिवर्सल ह्यूमन स्टैंडर्ड्स। अब कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखे हो, जैन सॉफ्टवेयर है कि बौद्ध सॉफ्टवेयर है कि, है ना, हिंदू सॉफ्टवेयर है कि मुस्लिम सॉफ्टवेयर है, लगा लो जो सॉफ्टवेयर लगाना लगाओ, फाइनली रिजल्ट क्या आएगा? UHS में नाप के देखेंगे कि आप कितने परसेंट मानव हुए, 40% मानव हुए कि 80% मानव हुए कि 90% मानव हुए, तो अब झगड़ा रहेगा किसी धर्म का? तो धर्मों के झगड़े खत्म हो जाएंगे, धर्मों की दूरियां खत्म हो जाएंगी। अभी यदि मानव मानव के बीच में दूरी है तो सबसे बड़ी दूरी किस बात की है? धर्म की दूरी सबसे बड़ी है और ये दूरी हमेशा रहेगी यदि हम कोई वो आधार क्रिएट नहीं कर पाए जिसमें कि सभी धर्म एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। प्लेटफॉर्म सभी धर्मों का एक ही है कि हम मानवता की अपेक्षा करते हैं। फाइनली हम भी कह रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार हो जाए, वर्ल्ड पीस की बात करते हैं, बाउंड्रीलेस इनिशिएटिव्स की बात करते हैं, बाउंड्रीलेस वर्ल्ड की बात करते हैं, पूरी धरती एक है और मानवता एक है, और UNO की बात करते हैं। तमाम सारे प्रयासों को देखोगे तो प्रयास इसी बात का है, और अब तो वो अंतर ही खत्म हो गया है ना कि कंट्री में अपनी 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 जाति में शादी होगी। अब तो हो सकता है 20 साल बाद अपनी जाति में शादी होगी, तो ये आश्चर्य का विषय हो। भी आज इंटरनेट से कौन किसके कनेक्शन में कहाँ है, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी एक दूसरे से कनेक्ट हो ही सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो हम उस तरफ बढ़ ही रहे हैं, देशों की बाउंड्रीज टूट ही रही हैं, लोग एक दूसरे के संपर्क में आ ही रहे हैं, उसके लिए वीज़ा पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, तो मानवता एक दूसरे के नज़दीक आ ही रही है। लेकिन हमारे पास ऐसे कोई आधार हो जहाँ आपको लगे कि आपकी बेटी दुनिया में कहीं भी शादी करे आपको डर ना लगे, आपका बेटा दुनिया में कहीं भी शादी करे तो रोक तो पाओगे नहीं। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? हाँ, आपको बोल रहे हैं मन होगा तो शादी में आ जाओ। तो बच्चों के साथ बात करते समय आपको पहले इस बात पे ध्यान देना पड़ता है कि पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं। आप बेकार सलाह दे रहे हो, पूछ ही नहीं रहे हो, बता रहा होता है ना, मैं रात को इतने बजे आऊंगा, पूछ थोड़ी रहे तो आपको हाँ ही बोलना होता है। तो सारी चीजों को देखेंगे तो एक बात पे हमारा ध्यान चला गया। एक तो ये समझ में आ गया कि धर्म परिवर्तन असंभव घटना, ये नहीं हो सकता, और इतना हम इस बात से पीड़ित हैं कि जिनके धर्म परिवर्तन हुए हैं वो ना उधर वाले उनको अपना मानते हैं ना इधर वाले उनको अपना मानते हैं। जब इन सारी चीजों को हम देखते हैं तो मानव का धर्म एक है, तो धर्म को लक्षणों के आधार पर पहचानने के स्थान पर हम धर्म को होने के स्वरूप में पहचानते हैं, तो धर्म स्थिर हो जाता है। जिसको जिससे अलग ना किया जा सके वो उसका धर्म है, और मानव के धर्म को हमने पहचाना तो बेसिकली हमने अपने मानव के धर्म को अभी तक पहचाना ही नहीं है। पूजा पाठ और रीति रिवाज और कर्म कांड को हम धर्म बोल रहे हैं। अधिकांश लोग जिस भी धर्म को मानते हैं उसकी मूल पुस्तक उनके घरों में है, अधिकांश के घर में मिलेगी, मिल गई तो पढ़ी नहीं है, पढ़ी है तो समझी नहीं है, समझा है तो आचरण में नहीं है। अब आचरण तक पहुंचते पहुंचते एक नहीं बचे,
बेकार हल्ला कर रहे हैं। हाँ, जगह भर रहे। हमारा तो घर शोरूम है ना, हमारा घर थोड़ी है। पड़ोसी आएगा तो देखेगा कितनी मोटी मोटी किताबें हैं। हाँ, वकील के सीट के पीछे रखी रहती हैं, पढ़ता वो कभी नहीं। सामने वाले को दिखाना पड़ता है, ये ऐसे इतने पैसे ऐसे नहीं ले रहा हूँ, इतनी किताब पढ़नी पड़ती है। आगे बोलिए, कहाँ पहुँचे? लिख डालिए क्या समझ में आया, किसको धर्म मान रहे थे, क्या समझ में आया, ये समझ में आने से हमारी दुनिया कैसी बदलेगी, इसको समझाया जा सकता है कि नहीं समझाया जा सकता, इसमें कोई गैप है, कोई गलती है, कुछ गलत कहा जा रहा है, देख लीजिए। जा करो, फास्ट रखते हैं हम, फास्ट ऐसे उपवास रखते हैं, तो ये सब क्यों? ठीक है, देखो अब ये समझ में आ गया कि फाइनली अपने मन को कंट्रोल करने के लिए, अभी तक हमने स्वयं को शरीर ज़्यादा माना है, तो शरीर को कंट्रोल करके मन को कंट्रोल करने की कोशिश है। तो पूजा, आधा पूजा में आपका मन लगता है तो क्या दिक्कत है, और नहीं लगता तो क्यों टाइम खराब कर रहे हो? फास्ट हेल्थ पॉइंट से ठीक ही है, वो भी आप मन से करते हो तो ही काम आएगा। आपका मन कोई चीज़ में नहीं है तो शरीर उसमें साथ नहीं देता, कि जितने भी सिक्रीशन हैं, जितने भी ग्लैंड्स हैं, वो मन के साथ काम कर रहे हैं। तो जिंदगी में दबाव से कुछ मतलब प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा है, तो जो भी करना है उसको समझ के किया जाए। तो जो बहुत पूजा करते हैं उनके साथ कुछ विशेष हो गया, जो पूजा नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि सार बात इतना है कि नास्तिक और आस्तिक में फर्क क्या है, नास्तिक और आस्तिक में समानता क्या है, नास्तिक और आस्तिक में समानता क्या है, दोनों ही नहीं जानते हैं ये समानता है। एक मानता है एक नहीं मानता है, काम की बात क्या है, दोनों जान लें, जान लें उसके बाद बढ़िया जिए। जानना ही जीना है, जानना ही जीना है, जानना अपने आप में बहुत पावरफुल चीज है। तो डबली बजाने के दिन गए, बहुत डबली बजाई, एक और बात है, ये जो चीज है जैसे हम मंत्र बोलते हैं, वो प्रूव भी हुआ है कि जैसे गायत्री मंत्र बहुत इफेक्टिव है हमारे इंडिया में, है बाहर भी अब जाते हैं जैसे होता है वो हुआ था कहा जैसे क्या हो जाता है, वो गायत्री मंत्र जो बोल रहे थे उसका इतना पावर है, जो वो कांच में जो था ना वो फूट गया था कांच ऐसा। गायत्री मंत्र बोल के घर में संबंध बना के रखा हो, वही यही सब, तो सब क्या ठीक है। तो इससे ये समझना पड़ेगा कि कांच फोड़ने के लिए हथौड़ा ही काफी था, क्यों मंत्र प्रयोग कर रहे हो वहां पे? मैं धर्म की बात नहीं, उस धर्म का नाम नहीं लूंगा, बट कन्वर्जन के लिए वो लोग तो स्टेज पे ऐसे परफॉर्म करते हैं। वही कह रहा हूँ ना, ये पागलपन, ये पागलपन चाहे कोई भी करे, फाइनली ये पागलपन है। तो काम की बात ये निकली कि मंत्र का प्रभाव होता ही है, शब्द का प्रभाव है, मंत्र का प्रभाव है, उसके अर्थ का प्रभाव है, वो उससे जो श्रेष्ठ जीवन जुड़े हुए हैं उनका भी प्रभाव है। लेकिन फाइनली ये सारा प्रभाव इस अर्थ में है कि वो हमारा मनोबल बढ़ाता है, हम फोकस्ड होते हैं। लेकिन जब तक हमारे पास मानव की समझ नहीं है तो हम परिवार में तो नहीं जी पा रहे हैं। हमने अपनों से दुख पाया कि परायों से दुख पाया? तो कभी कभी घर में ये भी दिखाई पड़ता है वो मंत्र बोलने वाला उसके बाद बहुत गुस्सा करता है, वही ना। तो इसका मतलब है कि मंत्र पढ़ने से अपना मन शांत होता है, अपने को थोड़ा मन को संभालने में मदद मिलती है, तो बहुत अच्छी बात है। अभी हम अधिकांश लोग कुछ भी सिंसियरली कर नहीं रहे होते, सभी कर्मकांड टाइप ही हो रहा होता है,
सुबह उठ के आधा घंटा पूजा करनी है, कुछ करना है, तो कोई गहरे में उसके मीनिंग को समझते हैं, उसके गहरे में उसके अर्थ को समझते हैं, गहरे में हमने कोई प्रयोग किया है, ऐसा अधिकांश लोग नहीं होते। जिन्होंने किया है फिर उनकी दुनिया अलग है। उसके बावजूद भी मानव की समझ हमारे पास नहीं है तो अपनों के साथ तो नहीं जी पाएंगे। तो मानव की समझ पाया जाए, मानव को प्रैक्टिस किया जाए, और मंत्र में आपका मन लगता है उसको भी कंटिन्यू किया जाए, है ना। तो यहाँ किसी की आस्थाओं को ठेस पहुँचाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आस्था की परिभाषा क्या है? आस्था की परिभाषा क्या है? बिना जाने किसी चीज को मानने का नाम आस्था है, और जानकर मानने का नाम विश्वास है। तो आस्था से विश्वास की यात्रा है। जिन चीजों को बिना जान के मान रहे हैं उन चीजों को जानकर मान लेंगे तो हम ज्यादा मजबूत आधार पे होंगे और ज्यादा उसको कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो मंत्रों की भी महिमा है, तमाम चीज़ों की महिमा है, लेकिन उस महिमा को हम जाने समझें तो उसके लिए गहराई में जाएं। हाँ जी, हाँ। जो पूजा पाठ करते हैं घर पे बड़े या हमको सिखाया है, कहीं ना कहीं एक डर, वही वो कभी भय से प्रलोभन से नियंत्रित है कि अगर हम पूजा करेंगे तो घर की समृद्धि बढ़ेगी या मतलब घर पे गलत नेगेटिविटी नहीं आएगी, कहीं ना कहीं वो है, बट उसको छोड़ ही देना है। मतलब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। तो जिन लोग अपने जिन आस्थाओं के साथ जिन कर्म कांडों को कर रहे हैं वो बिना समझे करें कि समझ के करें? बिना समझ के कर रहे हैं। अभी समझे करें, समझ के करें तो और अच्छा होगा कि खराब होगा? उसी को और समझ के करें तो अच्छा होगा कि खराब होगा? अच्छा होगा। तो जो कर रहे हैं उसको समझने के लिए भी मन लगाएं, क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। समझेंगे तो कुछ अच्छा होगा तो निकलेगा, और आप अनावश्यक टाइम खराब कर रहे हो तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। इससे कुछ है? है? किस? आप शोध करो ना भाई उसमें। फॉर एग्जाम्पल अगर तुलसी माता की पूजा कर रहे, ढूंढो ना भाई समाज में कोई तो होगा। पुजारी से पूछूंगी तो पॉजिटिव ही बताएगा सब चीजें कि करनी चाहिए। भाई क्यों पूछो ना पुजारी से, अब तो आपको बात करना आ गया है। पूछो तो तुलसी हमारे स्वास्थ्य के लिए कोई बढ़िया चीज है ना। पीपल हमारे, पीपल का देव वृक्ष जिनको माना गया, उनकी कोई उपयोगिता है ना। वो बड़ सावित्री की पूजा होती है तो उस दिन उसकी टहनियां तोड़ तोड़ के घर में ले आओ पेड़ बेचारा। तो बड़ सावित्री की पूजा का मतलब है यार एक पेड़ लगाओ उसकी पूजा करो, तोड़ तोड़ के घर में ले आए, जो थे वो भी तोड़ दिए। तो हम वो पूजा का अर्थ दूसरा था कि प्रकृति का पोषण कर सकें, जो भी कीमती वृक्ष हैं कीमती चीजें हैं उनका हम पोषण कर सकें, वो है उस अर्थ में। अब गाय की पूजा, गाय की पूजा का मतलब है कि वाकई में गाय को पालन किया जाए, गाय का पोषण किया जाए, किसी कर्म कांड का कोई सार नहीं, वो फिर मैकेनिकल एक्टिविटी, बेकार आप टाइम खराब कर रहे हैं। जो किया जाए उसको समझ के किया जाए, उसके साइंस को समझा जाए, उसके विज्ञान को समझा जाए, और फिर मन के साथ उसको किया जाए। ऐसा करने से अपने साथ भी अपन अपने आप को जस्टिफाई कर पाते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, अपन और अच्छा करेंगे। तो हमारी पूरी परंपरा में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, अभी उसकी तरफ भी हमारा ध्यान कहाँ गया, ऐसा हो रहा। हाँ जी, लिख डालिए क्या समझ में आया। माइक पीछे, पीछे माइक। सर हमने 25 साल की, मतलब मेरी अपनी 25 साल की, हाँ 3.5 दिन में ऑलमोस्ट सारी उल्टी बताई गई कि
ये तुम लोग मेरे को बदनाम कराओ। गलत गलत वे में नहीं, अच्छे वे में। अच्छे तरीके से बोल रही हूँ, गलत तरीके से। अच्छी बात है, बोलो। तुम्हारे शिविर को कोई देख रहा होगा तो क्या बोलेगा, ये कैसा शिविर है? मतलब अभी तक हमें, जैसे रिलीजन की ही बात करें तो हमें यही बताया गया कि ये पूजा करनी है, ये करना है, वो करना है, जिनको कि आउट ऑफ फियर हमने फॉलो किया पूरी लाइफ। अभी आपने हमें बोला कि नहीं, लॉजिक ढूंढो, तो शिफ्ट हुआ ना कि अभी तक की जो हमने चीज़ें सीखी उसमें और इसमें एक शिफ्ट हुआ। तो सर अब ये 25 साल में जो चीज़ें मैंने सीखी हैं उनको अपनी लाइफ में चेंज लाने में मतलब कैसे लाया जाएगा, क्योंकि अब तो वो मतलब हमारी हैबिट्स का काफ़ी हद तक पार्ट बन चुकी है, तो वो शिफ्ट कैसे लाए? फिल्म का एक ट्रेलर है, यदि फिल्म ट्रेलर पसंद आया हो तो फिल्म को ठीक से देखो, समझने का काम ठीक से किया जाए। समझना अपने आप में सुखदायी काम है, एक बार ये अपने में स्थिर होता है तो फिर हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ के समझना चाहते हैं। और आज के डेट में अच्छी बात यह है कि हर चीज़ बटन पे उपलब्ध है। हमारे समय में कोई बुक पढ़ना होता था तो पहले लाइब्रेरी ढूंढो, लाइब्रेरी जाओ, बुक वाले से छानो, खरीदनी है तो पता चला 1000 रुपये की है, खरीद ही नहीं सकते, फोटो कॉपी करवाना है तो 500 रुपये का है, वो भी नहीं कर सकते, तो बहुत झंझट था। आज के डेट में बहुत पॉजिटिव बात है कि आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप एक बटन दबाते हो, गूगल पे बोल देते हो, है ना, आप बटन दबा देते हो, बुक आपके घर में आ जाती है। तो आज के डेट में ना टाइम की कमी है, ना रिसोर्सेज की कमी है, और ना सोचने समझने की कमी तो पहले से भी नहीं है। तो एक बार जिंदगी के लिए आपका ध्यान जाएगा, ये 25 ऐसे निकल गए, 25 और निकल जाएंगे, जिंदगी की शाम हो जाएगी, राम नाम सत है, खत्म भैया। तो आपको तय करना है कि मेरी जिंदगी कीमती है तो मेरे को मेरे टाइम का, समय का नियोजन कहाँ करना है, क्या समझना है, जो कुछ भी करना है वो समझ के करूँ कि बिना समझे करूँ, और समझना है तो फिर क्या करना है। सर जैसे मतलब एक एग्जाम्पल पर शाम को घर पे बात कर रहे थे तो फिर वही अपना पुराना तरीका, जैसे बात करने का छोटी छोटी बात पे उखड़ जाना जो अभी तक का रहा है वो आ गया। तो मैं मतलब कल शाम को यही चीज़ सोच रही थी कि जैसे ही अभी पांचवा दिन ख़त्म होगा एंड आई बी बैक टू माय सेम एनवायरनमेंट, तो फिर आगे का कैसे करना है? वही तो वही एक बहुत बड़ा एक, इसीलिए मेरा ये क्वेश्चन था कि बात आगे ठीक है तो इसका यही मतलब हुआ कि ये ट्रेलर है, बोला कि जितने लोग यहाँ हैं उनमें से जितने लोगों को लगता है कि ये वर्कशॉप बढ़िया है, मेरी ज़िंदगी के लिए उपयोगी है और मेरे को खुद इसके लिए तैयार होना है और हमको मिलके इसको ऑर्गेनाइज करना है, रात को खाना खाने के बाद बैठो, हम इसमें क्या करते हैं? तो हम इसमें ये करते हैं कि जो परिचय शिविर जिसको बोलते हैं, जो 7 या 8 दिन का रेजिडेंशियल होता है, उसके बाद स्टेप 2 में अध्ययन बिंदु शिविर होता है जिसमें थोड़ी सी और गहराई में जाते हैं। उसके बाद अभी पुराने लोगों के लिए जिनके साथ आपके जस्ट पहले हमने अध्ययन बिंदु शिविर किया है उनके लिए 1 महीने का रेजिडेंशियल अगला सेट हो गया है 11 जुलाई से 11 अगस्त। जिनको उसके बाद लगेगा कि इसमें मेरे को और कंटिन्यू करना है तो उनके लिए फिर 6 महीना रेजिडेंशियल या हर 2 साल के लिए हर 2 महीने बाद 7 दिन 7 दिन 7 दिन 12 बुक्स जो रिपीट है करके। तो एक बार कंटेंट मेरे पास पूरा डाउनलोड हो जाएगा तो धीरे धीरे मेरी पात्रता के अनुसार वो आचरण में परकुलेट होता रहेगा, वही चीज़ आचरण में आएगी जो मेरी डेली जिंदगी का हिस्सा होगी। रोज नहाते हो, रोज खाते हो, रोज पढ़ते हो, रोज जॉब पे जाते हो, रोज बिजनेस करते हो, रोज संबंधों को जीते हो, तो जिस चीज़ को हम अपनी ज़िंदगी में डेली प्रैक्टिस में लाते हैं वही सस्टेन करती है। साल में एक बार शिविर कर देंगे और ज़िंदगी में बाहर आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। और आप में से अधिकांश लोग अगले 2 महीने में धुल जाओगे, ये भी पक्का है। और जिनको नहीं धुलना है उनको अपनी तैयारी करनी है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए आज रात को 8:30 बजे खाने के बाद जो भी आपका टाइम होगा उसमें बैठो, आपस में फ्री स्टाइल एक्सचेंज करो, क्योंकि आज की रात हमारे पास अंतिम है, कल दोपहर के बाद सभी निकल ही जाएंगे।
तो आज रात को बैठ के इस बात पे चर्चा करो कि आगे क्या। यदि हमको बात ठीक लगी है, इसमें हमारा कोई व्यापार है नहीं, हमको आपसे एक पैसा नहीं चाहिए, ठीक हो गया। और गणेश जो कर रहे हैं, हमको आपसे एक पैसा नहीं चाहिए। आपको अपनी ज़िंदगी के लिए बात काम की लगती है तो यूट्यूब पे तमाम मटेरियल है, सारी बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर ही सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी एक पैसे का मनी मेकिंग नहीं है, चाहे वो बुक्स हैं, चाहे वो शिविर को ऑर्गेनाइज करना है, चाहे वो शिविर डिलीवर करना है। तो यदि हमको लगता है कि ये मेरा अपना काम है तो आप तैयारी करें, ये आपकी ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है, हमने किया, आपकी ज़रूरत है आप करो, नहीं ज़रूरत है जो ठीक लगता है वो करो। भैया नमस्ते, हाँ 20 साल पहले आ गए तो इनको तो और खुश होना चाहिए कि हम जल्दी आ गए और जल्दी मिल गया। तो इसमें दर्शन में ये जो मैं समझा कि जो आप अक्सर कहते हैं कि जितने साल की एज उतने मैंने तो लगा दो, हाँ बस ये अच्छा। तो अब 25 साल के तो 25 लगा, मुझे तो 60 लगाने हैं। तो 60 साल वालों के 60 महीने, तो 25 महीने दे दे इस दर्शन को, जिंदगी को इतना टाइम दिया है 25 महीने। तो कमल मंगल से पूछो कि आप ये सब इतना क्यों करते रहे। तो रात हम यहाँ मीटिंग में बैठे थे आप ही लोग के साथ, आत्मीय वालों के साथ, तो जब तक उन्होंने स्पीकर सेट नहीं कर दिया, ये नहीं कर दिया, एसी चालू नहीं कर दिया, आखिर उनको क्या पड़ी है। क्यों करते खुश होने के लिए, जो करता है आदमी सरलता आती है इससे, इससे सरलता आती है, अनावश्यक जो आवरण ओढ़ रखे हैं वो हल्के होते हैं। और इसी वातावरण में इन्होंने, मेरे को लगता है कि आपको 1 साल हो गया, साल भर पहले शिविर करके तय किया, अब अगला कार्यक्रम ये है कि मेरे को शिविर में बने रहना है बस। वातावरण अध्ययन, तो संस्कार वो है जो एक आदमी की कंडीशनिंग है। हर आदमी की अपनी एक कंडीशनिंग है, कोई शरीर यात्रा का माल नहीं है, पूर्व शरीर यात्राओं से भी चला आ रहा है। तो आज तक की डेट में जो हमारी कंडीशनिंग है, जो भी हमने माना हुआ है अच्छा और बुरा सब, वो मेरी कंडीशनिंग है। अब मेरी कंडीशनिंग को बदलने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, शिविर क्या है, एक वातावरण। तो मैंने एक वातावरण में अपने आप को रखा, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज क्या है, इंजीनियरिंग का वातावरण है, मेडिकल कॉलेज क्या है, मेडिकल का वातावरण है ना, और वो बार क्या है, बार बाटली वाला है ना, वो भी एक वातावरण है। तो जिसको जैसे वातावरण की तलाश है उस वातावरण को ढूंढता है, तो मेरे को कैसा होना है तो मैं वैसे वातावरण को ढूंढूंगा। जब मैं इस संस्कार के साथ में इस वातावरण में रहता हूँ तो उसके अनुसार मेरा अध्ययन होता है, उसके अनुसार मेरा निष्कर्ष आता है। अब ये वातावरण कैसा है, हम जिस वातावरण में 5 दिन रहे, ये वातावरण कैसा है, ये वातावरण न्याय धर्म सत्य का है, ये NDS का वातावरण है। न्याय धर्म है ना, मानव की पहचान है कि वो न्याय धर्म सत्य पूर्वक ही जीता है, इससे कम में हम आकार से मानव हैं, आचरण से मानव नहीं है। तो मैं एक न्याय धर्म सत्य के वातावरण में रहता हूँ तो मेरे निष्कर्ष भी कैसे होंगे, न्याय धर्म सत्य के अनुरूप होंगे। तो जैसा मेरा निष्कर्ष होगा वो मेरा अगला संस्कार बन जाएगा, और मैं लगातार इस वातावरण में बना रहता हूँ, उसी वातावरण में लगातार बना रहता हूँ, उसी वातावरण में मैं अध्ययन करता हूँ, सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, आगे क्या करूँ क्या नहीं करूँ, वैसे ही निष्कर्ष आते हैं, वही मेरा फिर अगला संस्कार हो जाता है। तो मैं लगातार क्या कर रहा हूँ, मैं भी लगातार इस काम को क्यों करता हूँ, मेरे संस्कार के लिए करता हूँ भाई। क्या मैं भी माले जप रहा हूँ ना, ओम भूर्भुवः, मैं भी यही जप रहा हूँ, जीवन होता है, सुखी होना चाहता है, यही बोलते रहता हूँ। तो मैं भी एक वातावरण में अपने आप को बनाए रखे हुए हूँ। तो हम सभी अपने उद्धार के लिए अपने आप को इस वातावरण में बनाए रखे हुए हैं, ताकि मैं वही सुनूं, वही बोलूं, वही करूं, वही निष्कर्ष हो, वही संस्कार हो, और डे बाय डे ये संस्कार और बेहतर और बेहतर और बेहतर
और बेहतर और फाइनली ये मानव लक्ष्य को प्रमाणित कर जाए। इतने ही कहानी। तो कैसे अपने घरों के वातावरण बदले जाएं, अपने मोहल्ले के वातावरण बदले जाएं, अपने इंस्टीट्यूशन के वातावरण बदले जाएं, क्योंकि यदि ये नहीं कर रहे हैं तो बेकार ही। सारे रजिस्ट्री हैं, सारी जमीन है, सारे फ्लैट हैं और ये शरीर भी है, अपना हाथ खाली रह गया। तो अपना हाथ खाली नहीं रहेगा, अपन वो कमाएंगे जो साथ जाएगा और हमेशा साथ रहेगा। और भैया दूसरा ये देखा कि जब इस दर्शन के प्रति एक स्वीकृति तो बनी गई, और मुझे लगता है कि जो भी हम लोग यहाँ बैठे हैं मोस्टली की स्वीकृति तो बनी जाती है कि अच्छी चीजें समझना चाहिए। अब वो दूसरा मैंने देखा, जब मैंने ये तय करा कि इसको एजुकेशन में लेना एक तय किया, साथ में एक तय किया बड़ी लक्ष्य तय किया कि एजुकेशन लाना है, तो उससे आने का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। तो अपने वातावरण को बदल देना है। मान लीजिए 10 स्कूल आप चला रहे हैं तो लगभग अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, कितने पेरेंट्स हैं आनंद निकेतन के पेरेंट्स कितने हैं यार? 1, 2, 3, 4, 5 पेरेंट्स, 6, 7 दो चले गए, इमरजेंसी आ गई थी, कोई बात नहीं है ना। अभी 7 पेरेंट्स आनंद निकेतन के हैं और आनंद निकेतन के मैंने किए हैं 3 या 4 बैच है ना, लगभग बैच के 5 में 150-800 पेरेंट्स। हाँ, यही शिविर यदि अहमदाबाद में होता तो हो सकता है एक बड़ी संख्या उपलब्ध हो जाती है ना। अभी क्योंकि अपने को ऐसी जगह चाहिए थी, अब अहमदाबाद में कोई जगह ऐसी लेते हैं उसका खर्चा बहुत हो जाता है, तो पालीताना में ही एसी रूम्स और थोड़ी सी ऐसी जगह सस्ती हैं और ये सब करके सब ये तय किया। भविष्य में और सोचेंगे, लेकिन ये समझ में आया कि यदि इनको अपने स्कूल ट्रांसफॉर्म करने हैं तो अपने टीचर्स के लिए, अब 10 टीचर्स इनके स्वेच्छा से 1 महीने के लिए जाने के लिए तैयार हैं। अब वो 1 महीने के लिए जा रहे हैं तो उनकी जगह कौन पढ़ाएगा? तो एक्स्ट्रा टीचर अपॉइंट किए जाएं ताकि उनकी जगह बच्चों को नुकसान नहीं हो। ये देखा जाए तो उसमें पैसा भी लग रहा है, एफर्ट भी लग रहा है, ये सह शरीर मैं भी नहीं रहूँगा है ना, हम में से बहुत सारे लोग, लेकिन हमारे पीछे ये धारा, यदि हमको लगता है कि कोई बढ़िया चीज़ मिली है, ये धारा बहती रहे तो अपने सुख के लिए अपने है ना। और कल को लौट के मैं ही आ रहा हूँ वापस, तो मेरे को अच्छा स्कूल मिलेगा भाई, मेरे को अच्छे टीचर मिलेगी, तो मैं अपने उद्धार का काम कर रहा हूँ। सरलता से किया मैं वापस आने होगा और ये होगा, मेरा परसेप्शन है कुछ लोगों को अभी भी वो पुनर्जन्म या मैं वापस या फिर मैं क्योंकि शिविर छोटा है इसलिए बहुत सारी बातों को नहीं कर रहे हैं, जैसे मैंने ये सब शॉर्टकट मारा है। यदि ये परिचय शिविर होता तो ये भी 5वें दिन आता, एक दिन का शॉर्टकट मारा है और एक दिन अभी और मारूंगा, एक और मारूंगा शाम तक है ना। तो कोशिश करूंगा कि आपके लिए जो कंटेंट मैक्सिमम आ सकता है वो कंटेंट आपके सामने आ जाए। तो इसका इतना ही मतलब हुआ कि अब ये तो समझ में आ गया कि मैं जीवन हूँ, मेल फीमेल शरीर को चलाता हूँ और शरीर एक दिन मरेगा ही, और मैं नहीं मरता हूँ ये सच्चाई है, मैं नहीं मरता हूँ। तो जब तक मैं अपनी पूर्णता को नहीं पा लेता हूँ, बार बार शरीर चलाना मेरी आवश्यकता है, मेरी मजबूरी है, मेरी यात्रा के लिए मेरी आवश्यकता है, तो मैं ही बार बार शरीर चलाऊंगा। तो मैं अपने लिए स्कूल सेट करके जा रहा हूँ, कमल नगर जी तो लौट के वहीं एडमिशन लेने वाले हैं, आती बचा लेंगे अपना स्कूल है, इस पर एडमिशन लेना है। हमको अच्छे स्कूल मिले, अच्छे पेरेंट्स मिले, अच्छे मित्र मिले, अच्छा वातावरण मिले, ताकि जिंदगी का 25 साल खराब मत हो, बचपन से ही गर्व से ही वो संस्कार लेके आए, वो क्लैरिटी लेके आए, ताकि 25 साल के होते तक तो हम बुलंद हो जाए और जिंदगी हमारे लिए फुटबॉल का मैदान हो। अभी 25 तक हमको हवा नहीं लग रही है जिंदगी की, फिर एक दिन शादी हो जाएगी, तो अभी कुछ नहीं, हम ऐसे जूझ रहे हैं, प्रोडक्टिव नहीं, कुछ बहुत मीनिंगफुल प्रोडक्शन नहीं दे पा रहे, जूझ रहे, अपने में जूझ रहे हैं, अपनों से जूझ रहे हैं, बाकी फैक्ट्री में जूझ रहे हैं, बाकी समाज में और बाकी सरकार से जूझ रहे हैं। तो इतना जूझने की बजाय हम कुछ क्रिएट कर पाएं,
इसकी जरूरत तो है। बढ़िया सर। हाँ मैं एक्चुअली उनको रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा जो उन्होंने जाए, तो उन सारी चीज़ों की अपनी उपयोगिता है, लेकिन क्या है कि वो ना वो सारा और हम तो यहाँ पढ़ते हैं उसमें कुछ भी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, बल्कि वो सब कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि आप जब तक यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो सारा अस्तित्व के रिगार्डिंग है, और हम ऐसे मानव हमारा अस्तित्व में क्या रूल है या हमारी प्लेसमेंट क्या है, तो ये बेसिकली रूट है और वो जो है वो सारा ब्रांचेज है, तो इसमें कहीं कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री ही है। बढ़िया, ठीक हो गया, आगे बढ़े। जैसे हमारे दोस्तों के बीच में ये अभी ऐसा मैं देखने में आ रहा है कि वो सभी लोग जो है वो ऐसे किसी धर्म यानी जैसे जाति हिंदू है या मुस्लिम है तो उस पर वो ऐसा मान के नहीं चलते हैं, वो आपस में भी मिलते हैं तो वो ये वो हम लोग यही बात करते हैं कि यार हमको एक अच्छे से अच्छा इंसान होना है तो उसके लिए अच्छे से अच्छा व्यवहार सबके साथ होना चाहिए, लेकिन फिर उसमें वो तो ये क्या जैसे उसको नहीं मानना जो परंपरा आ रही उसको नहीं मानना और ऐसा जीना, ये क्या एक मतलब सही में धीरे से ऐसा हो जाता है कि कभी हम बैलगाड़ी से चलते थे फिर हमारे पास कार आ गई, अपर वर्जन आ जाता है तो पुराने वर्जन के तमाम फीचर्स उसमें आ ही जाते हैं, फिर भी कोई सपोर्टिंग सिस्टम की जरूरत होती है तो उपलब्ध ही रहता है, तो चीज़ों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, लेकिन जिस काम को हम कल तक बैलगाड़ी से कर रहे थे उस काम को हम कार से करने लगे तो और बेहतर ही होने लगा, और कहीं सड़क अभी भी नहीं है और जाना है तो बैलगाड़ी काम आ जाएगी, वो भी रखी है, तो ये विकास क्रम इसको कह सकते हैं ऐसा कि आप कहते हैं कि इवॉल्व हो ही रहे हैं, तो जैसे पहले तो था कि वो रूढ़िवादी में उससे निकल के उस पर नहीं जा पा रहे थे, किसी को मान नहीं पा रहे थे कि इसमें समानता है या हमारा मेरे ही जैसा है ऐसा करके, तो ये अभी ऐसा आया तो लेकिन वो फिर बाद में आगे उसका वो नहीं निकला। किसी भी प्लेनेट पे ये एक जर्नी है, किसी अध्यात्म डेवलप होगा ही, विज्ञान डेवलप होगा ही, और किसी पॉइंट के बाद जिसको कह रहे हैं कि सब कुछ एजुकेशनल फॉर्म में एग्जिस्टेंस जैसा है वैसा एजुकेशन में परमिट हो जाए, ये जर्नी ही है, तो हम एक स्टेप आगे बढ़े हैं, देखो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। आप तो पूर्णता पाम जाओगे तो शरीर लोगे ही नहीं ना, अरे इसको इस धरती को सुंदर बनाए ये पूरे विश्व में पहुंचे तो बहुत काम है अभी, और एक बार आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें मानव हो गया, बाउंड्री विश्व एक हो गया, उसके बाद क्या काम बचेगा? उसकी निरंतरता, किसी भी चीज का सूत्र ये है कि जब तक पूर्णता नहीं हुई तब तक पूर्णता के लिए प्रयास, पूर्णता हो गई तो उसकी निरंतरता होती है, जैसे एक समय था हम जंगल में पशु खाते थे, धीरे से हमने फूल पत्ती खाए, किचन में बढ़िया बना के उसको खाते हैं, यदि किचन तक पहुंच गए और यहाँ तक पहुंच के शरीर बढ़िया हो गया तो किचन की निरंतरता हो गई। एक समय था पेड़ पे रहते थे फिर ये मकान पहचान लिया, अब इसकी निरंतरता हो गई। एक समय था पैदल चलते थे गाड़ी पहचान लिया, गाड़ी की निरंतरता हो गई। इसका मतलब है कि पूर्णता तक कोई चीज़ को पहचानना और पूर्णता के बाद उसकी निरंतरता होना, तो मानव में जागृति आ गई, बड़े सभी लोग समझदार हो गए, उस धरती पे जो भी बच्चे पैदा होंगे उनके जागृति के लिए अवसर होगा, वो भटकेंगे नहीं, अपने माँ बाप को लड़ता हुआ नहीं देखेंगे, उनको मानव होने का चित्रण उनके भीतर आएगा, जैसे अभी इंजीनियर डॉक्टर होने का सपना बच्चों में पैदा होता है कि नहीं, धीरे से मानव होने का सपना उसके भीतर पैदा होगा, जिसको हम स्किल वगैरह जॉब वगैरह इतना बड़ा काम मान रहे हैं वो इतना बड़ा काम नहीं होगा, ये धरती अभी मृत्यु लोक कहलाता है क्योंकि हम सभी अपने आप को शरीर मानते हैं, यदि ये धरती पे बाई एजुकेशन जागृति आ गई तो ये धरती जागृति लोक हो जाएगा, तो अपनी नहीं इस धरती की किस्मत बदलने का अवसर है, अपनी नहीं इस धरती की किस्मत लिखने का अवसर है, तो बच्चों को चौहान आगे बढ़ो। मैं तो इतना ही एक छोटा कमेंट ऐड करूंगा कि जीवन विद्या के पहले भी वो जो नैरो कंपार्टमेंट्स में आज जो हिंदू मुस्लिम जैन जो करते हैं, आई थिंक जो उसके ऊपर सोचने वाले थे वो तो हमेशा वही बोलते थे, और मैं खुद मानता था कि ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट रिलीजन,
पर आई थिंक जीवन विद्या उसी का मैनिफेस्टेशन है। अभी शिविर के दौरान एक जैन साधु आए थे, मुश्किल से 15 मिनट बैठे, 15 मिनट आधा घंटा नहीं बैठे होंगे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं हमारे गुरु जी से आके मिलो, तो मैं गया पीछे कहीं किसी भवन में, उनके गुरु जी थे, उनसे आधा घंटा बात हुआ। वो कहते हैं हमारे 50 साधुओं के लिए आप शिविर करो। मांडवी में दो साधु कंप्लीट 8 डेज बैठे थे हमारे साथ। वो अपने खाने का समय, जैन थे, वो अपने खाने का समय शाम का छोड़ देते थे, शिविर चलता था 7 बजे तक। अब अंधेरा होने के पहले उनको खाना खाना है, और आपको जो भी व्यवस्था करते थे वो शाम का खाना छोड़ देते थे। ये पूरी शिविरें भी आपको YouTube पे मिलेगी, बट वो रिविजन के तौर पर चल सकता है, बाकी तो लाइव शिविर का कुछ इम्पैक्ट ही अलग होता है। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना वो लाइव शिविर में होता है, सुनने से अच्छा लगना YouTube से हो जाता है। ये जो एक दूसरे की शेयरिंग है, ये जो मोमेंट्स हैं, जो रात की गोष्ठियाँ हैं, वो जो अकेले में 24 घंटे रहना, इसी माहौल में 24 घंटे रहना है, तो YouTube से सुनना हो जाता है, अच्छा लगना हो जाता है। वो ट्रांसफॉर्मेशन घटेगा कि नहीं घटेगा वो अलग बात है। हाँ जी, चलिए, ये वर्ण नहीं बताया, इससे निकला क्या? धर्म को ऐसा देखने समझने से क्या समझ में आया, क्या बदलेगा? हेलो, पहले ऐसा था कि जो धार्मिक और अधार्मिक शब्द का अर्थ ये था कि सत्य और ईर्ष्या झूठ वगैरह, इन सब से धार्मिक और अधार्मिक दो अलग अलग चीज़ों को मानते थे, और मानव मानव के बीच में दूरी भी थी। तो अब लगता है कि धर्म तो व्यक्ति के साथ है ही, तो उसको अलग तो नहीं किया जा सकता। और अभी जो धर्म है मतलब मानव एक ही है, मतलब मानव मानव के बीच में कोई दूरी नहीं है। बिल्कुल जी, तो देखिए जितनी चर्चा हमने की है उसमें ये समझे कि मानव की मूल चाहत, मानव की मूल चाहत एक, सुख की निरंतरता। मानव के लिए समझ, इसको समझ बोल रहे हैं, यदि नियम बोलेंगे, मैं उसको नियम लिख देता हूँ, प्रकृति में नियम सभी के लिए एक एक जैसा है ना। अब समझ में आया कि और ये भी समझ में आया कि मूल क्षमता मानव में, समझने की मूल क्षमता सभी में एक। ये भी समझ में आया कि मानव धर्म एक, यहां तक पहुंचे। ठीक, अभी थोड़ी सी चर्चा जाति पे करते हैं कि जाति क्या है। हाँ जी, जाति क्या है? जाति क्या है? माइक फटाफट। आपका बर्थ होता है तो इट्स योर मेजर कंडीशनिंग, जो आप अपने बर्थ से देखते हो और वही आपका आपकी जाति बन जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो एक ट्रांजिशन बॉर्डर पे रहते हैं, तो ना तो वो जैसे पंजाब और राजस्थान बोले, तो ना वो कंप्लीटली पंजाबी होते हैं और ना ही कंप्लीटली राजस्थान। तो पंजाबी और राजस्थानी जाति थोड़ी है। नहीं, आई एम जस्ट सेइंग एज अ एग्जांपल कि आपका एनवायरनमेंट काफ़ी इफेक्ट करता है उस चीज़ को। नहीं, और चल, सो बेस्ड ऑन नॉलेज एंड एबिलिटीज वी डिवाइडेड ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कर रहे हो, उससे जाति, आपका जो स्किल है उससे जाति सेट हुई थी, जैसे सोनी तेली अभी आपने बताया, लेकिन आज जाति समाज में इस तरीके से सेट हुई जिससे राजस्थान में कहते हैं बेटी बोटी का संबंध हो, यानी जहाँ आप ब्याहोगे किसी को या जिसके साथ बैठ के खाना खाओगे या जिसका जिसके साथ आप घर में आना जाना करोगे वो आपकी जाति, वो एक रिजिडिटी सेट हो गई। रोटी और बेटी का संबंध जिससे कर सकते हैं वो अपनी जाति। घर में देखना मानव, आप मानव बोलते रहो, बेटी कहीं और जाती है। वही तो हो गया, आप बोलते रहे, सब बोलने में रहता है, बेटी तो वहीं जाती है जहाँ जाती है। आपने नहीं सुना पर घर में वही होता है। हाँ जी, ये ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ?
यदि तो फिर जाति क्या हुई? जाति और धर्म में क्या अंतर है? देखो पता कुछ नहीं है इससे इससे ये क्वेश्चन केवल ये बताते हैं कि अपन सब कैसे हवा में चलते हैं। अपने को एक ही पता है पैसा किधर से आएगा और सामान क्या लेके आना है। धर्म एक ही धर्म है। धर्म अभी जो हम तय करके रहे जीवन निर्वाह करना। एग्जाम्पल देके बताओ। फॉर एग्जाम्पल हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म तो हिंदू की जो मान्यता है जो पूजा जो प्रक्रिया है वो तो हिंदू हुआ, मगर हिंदू में जो जीवन निर्वाह करते हैं जैसे तेली है स्वामी है तो उसकी जाति हुई है। धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं। चलिए वो जीवन की मौलिकता को व्यक्त कर रहा है। मान्यता भी किसके लिए है? मान्यता भी शरीर के लिए है कि जीवन शैली के लिए है? तो बेसिकली जीवन को जीवन की मौलिकता को धर्म व्यक्त करता है। इसलिए जब कह रहे हैं कि मानव सुख धर्मी है तो सुख धर्मी कौन है, शरीर है कि जीवन है? तो जीवन सुख धर्मी है, शरीर सुख धर्मी नहीं है। तो जीवन की मौलिकता को धर्म के रूप में व्यक्त करते हैं। जब हम धर्म बोल रहे होते हैं तो जीवन की मौलिकता को व्यक्त कर रहे हैं, मैं की मौलिकता को व्यक्त कर रहे हैं, शरीर के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। मौलिकता मतलब, मौलिकता का मतलब उसकी ओरिजिनैलिटी। यहाँ मैं मौलिकता को इस सेंस में यूज कर रहा हूँ। धर्म जीवन के बारे में कुछ कह रहे हैं, शरीर के बारे में नहीं कह रहे हैं जब हम धर्म की बात कर रहे हैं। जब हम जाति की बात कर रहे हैं तो बेसिकली शरीर की मौलिकता के बारे में कुछ कह रहे हैं, शरीर के बारे में कुछ कह रहे हैं। तो जाति से हम शरीर को इंगित करते हैं और धर्म से हम जीवन को इंगित करते हैं, इशारा करते हैं। इंगित करना मतलब इशारा करना। इसलिए जब जाति की बात कर रहे हैं तो हम वर्ग की बात कर रहे हैं, तेली सोनी, क्योंकि जाति मतलब कर्म की बात कर रहे हैं, शरीर की बात कर रहे हैं। हाँ अब तो वो सब आधार गिर गए, इसलिए वो आधार स्थिर नहीं थे। इससे यही समझ में आया कि ब्राह्मण वैश्य शूद्र ये भी आधार गिर गया। अभी तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो तो होता हो सकता है शूद्र होगा। तो इसका मतलब है कि हमारे वो वर्ण व्यवस्था का भी कोई आधार नहीं बचा। इधर ही जो तेली सोनी कर रहे थे उसका भी कोई आधार नहीं। तेली का बच्चा आईटी करेगा तो सबका धर्म सबकी जाति एक ही आईटी है, सबकी जाति एक, सबको आईटी का काम करना है, ऐसा हो गया। तो इसका मतलब है वो आधार स्थायी नहीं थे, वक्त के साथ हमने कुछ पहचाना था गिर गया। तो अब हम कैसे पहचाने कि सही अर्थों में मानव जाति एक है कि मानव जाति अलग अलग है? जब हम तेली सोनी बोल रहे हैं तो अलग अलग पहचान रहे हैं कि मानव की जातियां अलग अलग हैं। जैसे पशु की जाति शेर टाइगर है ना, ये एक ही जाति है कि अलग अलग जाति है? अलग अलग जाति हो गई, ठीक है। कुत्ता बिल्ली ये सब अलग अलग जातियां हो गई। तो पशुओं में देखते हैं तो जातियां अलग अलग हैं, लेकिन मानव को देखें, यदि मानव शरीर को, यदि जाति शरीर को परिभाषित कर रही है तो धरती पे सारे मानव शरीर एक ही जैसे हैं कि अलग अलग हैं? धरती पे सारे शरीर एक ही जैसे हैं कि अलग अलग हैं? एक जैसे हैं कैसे मान लें? मेल फीमेल तो है ही है, तो दो जातियां तो है ही है। और फिर वो अमेरिका का शरीर अलग है, रशियन शरीर अलग है, नेपाली शरीर अलग है ना। चार कलर बहुत क्लियरली पाए जाते हैं, ब्लैक व्हाइट ब्राउन एंड येलो। हाँ तो ये आपने अच्छा कहा कि स्पेसीज अलग है, ह्यूमन एक स्पेसीज है, ये कैसे माना जाए? बॉडी एक है, बॉडी तो सबका एक ही टाइप का, सारे ऑर्गन्स जो है वो सेम ही है, दिखने में भी सेम ही लगते
हाँ। लड़के सारे पैरामीटर्स काउंट करेंगे, किसी भी दो आदमी का ब्लड नहीं मिलेगा। डीएनए अलग अलग है सर, लेकिन ब्लड तो एक ही टाइप, केमिकल तो सेम ही है सबका। जो आप डीएनए सबका अलग अलग होगा, लेकिन केमिकल वैसे देखने जाए तो ह्यूमन एक ही है, स्पीशीज अलग नहीं हुआ। ऐसा बोलने से भी कहाँ एक जैसे होंगे, सब अलग अलग टाइप के दिख रहे हैं। थिंकिंग सबका अलग है, कैसे करें उसको, कहाँ जाके टिकाएंगे वो एक हो जाए। कोई भी ब्लड का, किसी भी व्यक्ति का ब्लड ले लो, यदि सारे पैरामीटर्स को काउंट करोगे, इसका मतलब बहुत प्रिसाइजली जाएंगे, तो फिर सब चीज़ें अलग अलग भी दिख रही। तो हम एक कहने का, मानव जाति एक है या मानव जाति अनेक है, क्या बोले, आधार क्या हो। जैसे मैं अभी शिविरों में रहता हूँ, तो कोई कोई व्यक्ति कुछ बताते रहते हैं, वो जमैका के लोग बोलते हैं कि वो 100 मीटर रेस में वही लोग आगे आते हैं, बोल्ट और कौन कौन है ना। तो किसी एक कंट्री विशेष के लोग 100 मीटर की दौड़ या 400 मीटर की दौड़ में लगभग लगभग पूरे 50 साल का इतिहास देखेंगे तो वो लोग सबसे आगे। इसका मतलब है कि दौड़ने के लिए वहाँ के शरीर ज़्यादा अनुकूल हो, बनावट ऐसी हो सकती है। तो फिर कैसे, किसी समय पे ब्लैक और वाइट को भी डिफरेंशिएट किया गया कि वाइट जो है बाई बर्थ श्रेष्ठ होते हैं, ऐसी थियरीज लाई गई, वो नहीं चली, वो अलग बात है। तो हम कैसे माने कि हम सब एक ही जैसे, हमारा हम सब का शरीर भी एक ही जैसा है, जीवन एक जैसा हो गया, ये तो ठीक हो गया। जीवन में सबके मूल चाहत एक है, सभी सुखी होना चाहते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है, तो मानव धर्म एक है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन मानव की जाति एक है कि अलग अलग है, कैसे माना जाए। अलग अलग है तो फिर तो डिफरेंशिएट करेंगे, फिर मानव मानव में समानता है कि मानव मानव अलग अलग है, सबकी स्किल्स एबिलिटी अलग 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 है। हाँ, स्पीसीज भी एक है, लेकिन फिर भी इतने सारे अंतर हैं, हम कैसे माने कि सारे शरीर एक ही जैसे। तो जाति को स्थिर कर पाना कैसे करें, शरीर तो एक ही है ना सबके, दो आंख दो कान जो भी है सब एक जैसा ही है ना, उसमें अलग अलग बॉडी तो सेम। हाँ, अलग अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी शरीरों के डिफरेंस इतने, हाइट के डिफरेंस, कलर के डिफरेंस, ताकत के डिफरेंस। तो डीएनए जो उनका जो है वो अलग है, सब जो उनका जो पार्ट्स है, जैसे वो पूरी कंका, यानी सबके पीछे कंका। आप बंदर को देखो, बंदर ऐसे सीधा खड़ा हो जाता है, चिंपांजी, अब चिंपांजी के भी दो ही हाथ हैं, दो ही पैर हैं, दो ही आंखें हैं, हाइट भी हमारी जैसी है, तो क्या चिंपांजी मानव एक हो जाएगा, एक जैसे दिख रहे तो। देखोगे तो फिर वो चिंपांजी और मानव एक ही टाइप का है, सारा ही एक टाइप का, दो पैर से चलता है। गाय और भैंस, हाँ, गाय भैंस को देखोगे तो आकार तो सेम ही है, लेकिन अलग अलग है। तो शरीर कोई एक होने का आधार नहीं बना। पहले जाति काम के हिसाब से अलग अलग होती थी, तो हमारा काम मानव का एक ही है, मानव लक्ष्य एक ही है, सो इसीलिए हम एक ही है। मानव लक्ष्य जो है वो जीवन की समानता का आधार है, शरीर का नहीं। आप नजदीक हो पर फिर भी दूर, सेम सुविधाएं यूज कर, अच्छे सेम सुविधाएं यूज करते हैं, देखो। तो इस नहीं, ये सुविधाएं कहाँ सबके लिए सेम है, ये तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है, वो कैटेगरी एक है, मतलब। चलो, समझ में आ गया, जाती नहीं समझ में आई अभी, हाँ, पहले यही समझना है कि नहीं समझना है। अब समझ में आ, क्योंकि समझ में नहीं आया इसलिए ब्लैंक होते हैं। अब समझ में आ गया पति पत्नी में क्यों इतनी उठापटक होती है।
अपनी जाति पता नहीं, अपना धर्म पता नहीं, अपना चाहत पता नहीं, अपनी इच्छा पता नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत शांति से सोचो, अब किसी व्यक्ति को दोष देने का कोई फायदा नहीं है, ना पति गलत है, ना हम गलत हैं, हमारा सॉफ्टवेयर ही गड़बड़ है, 1947 पायरेटेड इन्फेक्टेड। आप सॉफ्टवेयर करप्ट है तो क्या होगा, हार्डवेयर वैसे ही करप्ट काम करेगा, तो बेकार लड़ रहे हैं एक दूसरे से, सॉफ्टवेयर बदलने की जरूरत है। हाँ जी, इंटरनल ऑर्गन्स तो सेम ही है ना, है? सारे सबके ऑर्गन्स तो सेम ही है सबके। हाँ, ऑर्गन सेम होने से भी मतलब वो जाति, हम ऐसे बहुत सारे तर्क लगा रहे हैं लेकिन ये कोई तर्क सबका दिल सब में फिट होगा कि नहीं होगा पता नहीं। जो इलाज एक मतलब एक जो डॉक्टर है सबका इलाज कर सकता है ना सारे? हाँ, सबका इलाज करता है पर घर में दोनों पति पत्नी झगड़ा करते हैं, उसको क्यों नहीं समझ में आ गया कि एक है सब? डॉक्टर में पति पत्नी में झगड़ा होता है कि नहीं होता है? फिजिकल इलनेस की बात कर रही थी। हाँ, तो इसका मतलब है कि हमारे पास वो आधार नहीं है जिसको पकड़ के हम वाकई में स्थिर। ये सारी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं भाई, आचरण की निश्चितता हो जाए हमको, ये सब चर्चा से क्या मतलब? तो हम ये चाहते हैं कि मेरे भाव और विचार की स्थिरता हो जाए, तो जब तक उस नियम को नहीं पहचानेंगे तब तक भाव और विचार स्थिर नहीं होगा। अभी तक धर्म में अलग अलग थे, धर्म एक पहचान लिया, धर्म में स्थिर हो गए। चलो कोर में आ जाते हैं, फाइनली स्टेटमेंट क्या है? फाइनली कहानी इतनी है कि मैं जीवन हूँ, स्त्री या पुरुष शरीर चलाता हूँ, समाधान पूर्वक सुखी होता हूँ, और सुखी होने के लिए शरीर एकमात्र साधन है। यहाँ पे आई जाती, सुखी होने के लिए शरीर एकमात्र साधन है और धरती के सभी शरीर समझने के लिए समान रूप से सक्षम साधन है, इसलिए मानव जाति एक। धरती के सभी शरीर समझने की दृष्टि से, क्योंकि शरीर का मौलिक काम समझने का साधन है, शरीर का मौलिक काम समझने का साधन है, मानव शरीर से मानव शरीर ही पैदा होता है, इसमें तो हम एक ही हैं, लेकिन धरती के सभी शरीर समझने की दृष्टि से समान रूप से सक्षम साधन है, एक ही जैसे साधन है, इसलिए सभी शरीर समान है। 5 फुटिया जल्दी समझेगा कि 6 फुटिया? 60 किलो वाला जल्दी समझेगा कि 120 किलो वाला? ठीक हो गया, गोरा पहले समझेगा कि काला? 20 साल वाला पहले समझेगा कि 60 साल वाला? तो इसमें कोई अंतर नहीं। तो समझने की दृष्टि से धरती के सभी शरीर समान रूप से सक्षम हैं, एक ही जैसे हैं, इसलिए अफ्रीकन शरीर होगा कि इंडियन शरीर होगा कि नेपाली शरीर होगा कि भूटानी शरीर होगा कि स्त्री शरीर होगा कि पुरुष शरीर होगा कि गांव का होगा कि शहर का होगा, इसमें कोई अंतर नहीं। बुद्धि जीवन में है, ब्रेन सबका एक, बुद्धि अभी एक जैसी नहीं है, इसलिए समझना एक जैसा नहीं है। बुद्धि में एक जैसे होने की संभावना है, समझने के बाद सब बुद्धि एक जैसी हो जाएगी, अभी नहीं है, अभी ऊपर वाला माला खाली है। समझने की मूल क्षमता सब में समान है, ब्रेन की क्षमता सबकी समान है, ब्रेन में कोई अंतर नहीं है। धरती के सभी मानव की ब्रेन की क्षमता समान है, यदि अलग अलग है तो समझने की वो क्षमता जीवन में है, जीवन की योग्यता पात्रता क्षमता अलग अलग है, इसलिए सबका रिसेप्शन अलग अलग है, ब्रेन की वजह से नहीं है वो, जीवन की वजह से। माई समझने के लिए समान रूप से सक्षम साधन है, इसमें कोई अंतर नहीं। समझ की बात हो रही है, समझ को रिसेप्ट करना। हाँ, क्या समझना है? संसार क्या है, मैं क्या हूँ, करना क्या है, क्यों जीना है, कैसे जीना है, ये समझने के लिए ब्रेन और शरीर सबका एक जैसा है। एक
प्रश्न था पहले वाले का कि बुरे से बुरा क्रूर से क्रूर व्यक्ति अपने धर्म के साथ तो है ही व्यक्ति जो है कोई भी हो जैसे धर्म के साथ नहीं है धार्मिक होना चाहता है वो सुखी होना चाहता है सुख की समझ नहीं है बुरे से बुरा जो आपने कहा था कि जिससे जिसको अलग नहीं किया जा सके वो धर्म है तो व्यक्ति धर्म के साथ तो है ही हाँ तो सुख की चाहत के साथ है धार्मिक होने की चाहत के साथ है अपने धर्म को समझना चाहता है ना अभी अभी समझा नहीं है इसलिए उत्पटांग करता है हाँ जी बोलिए हो गया समझने की क्षमता जीवन में है समझने का साधन ब्रेन सहित शरीर है तो ब्रेन सहित शरीर एक जैसा है सबका इसमें कोई अंतर नहीं है मेल हो फिर मेल हो सर एक जैसा है तो जैसे अपना बोलता है कोई कोई आदमी पर बहुत जीनियस है या के पास अनलिमिटेड है निरंतर है ठीक है लेकिन किसने अपनी क्षमता को किस दिशा में प्रयोग किया है उससे योग्यता पात्रता क्षमता सबकी अलग अलग है तो जिसने अपने आप को म्यूजिक में ही लगाया है 50 साल नहीं पर कोई जैसे कोई होता बच्चा जो कोई नहीं होता 2 साल का वो गॉड गिफ्टेड जैसे अपने बोले गॉड गिफ्टेड का उतना ही मतलब हो गया कि कोई बच्चा किसी क्षेत्र में गॉड गिफ्टेड है तो उसका गॉड गिफ्टेड कुछ नहीं है उसने अपना ही मेहनत किया हुआ है तो पूर्व शरीर यात्रा में उसने वही काम किया है और शरीर छोड़ते समय उस काम के प्रति उसका स्वीकृति है उसने उसको उपयोगी माना तो कैरी ओवर हो गया एक गॉड कुछ अलग से बैठ के किसी को कुछ दे दिया किसी को कुछ ऐसा कैसे पार्शियल गॉड हो गया है गॉड को न्यायकारी मानते हैं तो इसका मतलब है ऐसा कोई बैठ के बांट नहीं रहा है मेरे मदर-इन-लॉ को पूछा था वो बोलते हैं कि सोल आता है जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ये सोल कहां से आ रही है कितने चित है और कहां से ट्रांसफर होके आ रहे हैं वो चीज समझ में नहीं आ रही थी उनको भी आ जाए अभी आ जाए हाँ ओके कि जो चीज़ें मानव के यूज़ के लिए ज़्यादा आवश्यक हैं वो ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हैं हवा मिट्टी प्रकाश पानी लोहा ये सब चीज़ें बहुतायत में उपलब्ध हैं जिन चीज़ों की मानव को बहुत न्यूनतम आवश्यकता है वो उतनी ही कम मात्रा में भी उपलब्ध है ऐसा भी एक रेशो दिखाई देगा अब ये दिखाई देता है कि पेड़ पौधों को जिंदा रहने के लिए क्या आवश्यक है हवा मिट्टी पानी प्रकाश जितने पेड़ पौधे हैं उनकी तुलना में कितना ज़्यादा है बहुत ज़्यादा पशु पक्षी के जिंदा रहने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता है पेड़ पौधे फॉरेस्ट और कितनी तुलना में कितना ज़्यादा है बहुत ज़्यादा मानव के जिंदा रहने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता है कितना उपलब्ध है बहुत ज़्यादा इससे ये समझ में आया कि जो नेचर की इकोनॉमी है वो इकोनॉमी ऑफ एबंडेंस जितनी जिस चीज़ की आवश्यकता है उससे बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है इसका मतलब जितने शरीर जितने जीवन सर शरीर उपलब्ध हैं उससे कहीं ज्यादा बिना शरीर उपलब्ध रहता ही है कितना रहता है इतनी आवश्यकता है वो नेचर का डिजाइन है उसमें हमको आपको हमारे आपको चिंता करने के लिए और ही काफी सारे इश्यूज हैं ये इशू पे हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है हाँ प्रकृति में व्यवस्था को समझने की जरूरत है तो प्रकृति में इसका मतलब है कि जीवन अबंडेंस में अनंत मात्रा में जितने भी मात्रा में होंगे यहीं है जितने गर्भ धरती में उपलब्ध होते हैं माँ के मानव के पास हो पशु के पास हो उससे बहुत अधिक मात्रा में जीवन रहता ही है यदि नहीं होगा तो अबॉर्ट होना शुरू हो जाएगा अबॉर्ट तो नहीं हो रहा है इसका मतलब है प्रकृति की व्यवस्था है जिस चीज़ की जितनी आवश्यकता है उससे बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध रहता है ब्रेन 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 और जीवन क्या तफावत तफावत डिफरेंस डिफरेंस ब्रेन शरीर का पार्ट है मन जीवन का पार्ट है ब्रेन भौतिक वस्तु है मन सहित जीवन अभौतिक वस्तु चैतन्य है हाँ जी जी तो जैसे बकरी घास खाती है शेर बकरी को खा जाता है मतलब ये एक साइकिल है साइकिल हमको ऐसा सिखाया गया है कि नॉनवेज नहीं खाना है वो पाप है एक समुदाय ये सिखाता है कि अगर हम उसको नहीं खाएंगे तो वो ये भी एक साइकिल है क्या साइकिल है मतलब क्या सही है
देखो अब आपका क्या है, वो डब्बा खुल गया है, अब एक आशा जग गई है कि सारी बात हो सकती है ना। अब लाओ सब है कि आपके पास पूछने के लिए क्वेश्चन नहीं बचेगा, जितनी ताकत लगा सकते हो लगाओ, और आप कहोगे कि आंसर मिला है ना। तो इसका मतलब है कि मेरी जिंदगी के जितने प्रश्न हो सकते हैं, जितने डायमेंशन हो सकते हैं, सभी पे बहुत अच्छे से बात की जा सकती है। जहाँ से प्रश्नों के जंगल खत्म होते हैं, वहाँ से जिंदगी का दरवाजा शुरू होता है। अभी तो अपनी जिंदगी में प्रश्नों से जूझ रहे हैं, ईश्वर है कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं है, भाग्य है कि नहीं है, गॉड गिफ्टेड है कि क्या है, ईश्वर है तो कहाँ रहता है, मामा ने समझाया बेटा सब कुछ ईश्वर ने बनाया, बेटे ने पूछ लिया मामा ईश्वर को किसने बनाया, तो मम्मी कहती है फालतू बात मत पूछा करो। तो ऐसा ना बहुत सारा है। तो एक बार हमारा ध्यान जाएगा तो फिर तमाम ये जो अब देखो अब कितने लोगों को लग रहा है कि यह समझना अपने आप में सुविधा ही काम है। हमारे घर की बहनों ने ये दर्शन आने के बाद में, शुरू में हमको लगता था कि ये तो यार कुछ ही लोग समझेंगे, बहुत इंटेलेक्चुअल मामला है। धीरे धीरे जैसे जैसे सबको इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, हमारे परिवार की इसमें क्या साइंस जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो एटमिक स्ट्रक्चर बहुत आता है, तो परिवार की बहनों ने वो जिन्होंने साइंस वाइंस ठीक से पढ़ी नहीं थी, अब उन्होंने 6th, 7th, 8th का साइंस, 9th का साइंस दोबारा उठा के फिर पढ़ डाला, जिनको पढ़ने से कोई लेन देन नहीं था, जो घर में है अपना घर चला रही है बढ़िया, उनको कोई जरूरत नहीं है कि वो पढ़े। लेकिन जब आदमी को समझने के प्रति एक सुख का फीलिंग आता है, सुखदायी लगता है समझना, तो आदमी जन्म से जिज्ञासु है, और हम बच्चे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये पढ़ना नहीं चाहता, ये आरोप कितना गलत है। जब एक बच्चा जन्म से जिज्ञासु है, इसका मतलब है कि पढ़ना लिखना अपने आप में निरर्थक काम है, तो बच्चा ठीक कर रहा है, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। समझना जीना समझाना सुखदायी काम है कि पढ़ना लिखना सुखदायी काम है? जिस दिन उस बच्चे को ये स्वीकार हो जाएगा कि समझना जीना समझाना के लिए पढ़ना लिखना एक आवश्यक एक्टिविटी है, उस दिन उसको पढ़ना लिखना में रुचि आ जाएगी। पढ़ना लिखना अपने आप में, अभी भी पढ़ना लिखना से हमने जॉब को जोड़ रखा है तो भी थोड़ा बहुत उसकी इज्जत बची हुई है। अभी बच्चों को लेकर बोलो पढ़ लो, बोले चिंता नहीं करो मार्क्स आ जाए, मार्क्स चाहिए ना आ जाएंगे। और वाकई में रात रात वो एग्जाम डेज में एक दो दिन पढ़ते हैं और 80% 90%, हमारे स्वामी तो रगड़ रगड़ के साल भर पढ़ते थे तब जाके 70% आते थे, अब लास्ट में पढ़ते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं। आपको क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन ही वो दिया जाता है, कॉलेज का मैनेजमेंट एग्जाम के पहले तय करता है, कॉलेज का मैनेजमेंट एग्जाम के पहले तय करता है और टीचर को बोलता है कि वही क्वेश्चन बनाना जो जिससे 80% आ सके। तो आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन दिए जाते हैं जो क्लास में आपको पहले से सब करा दिया जाता है ताकि कॉलेज का रिजल्ट अच्छा रहे और लोग एडमिशन लेते रहे। तो आप इंटेलिजेंट हो इसका पता नहीं है, पर कॉलेज इंटेलिजेंट है इसका पता। बढ़िया, तो मानव जाति तो कहाँ पहुँच गए, देखो धीरे धीरे हम कहाँ पहुँच गए, तो पता चला मानव धर्म एक, मानव जाति एक, और ये भी पता चला ये धरती एक, इसलिए ये राष्ट्र एक। आगे पता चलेगा है ना, आगे पता चलेगा, उसको नहीं लिखता। अब बताओ मूल चाहना एक, पूरी सृष्टि में सारे नियम सभी के लिए एक, मानव की मूल क्षमता एक जैसी, मानव धर्म एक, मानव जाति एक, ये धरती एक, इसका जलवायु एक, उसके बाद लड़ने के लिए गुंजाइश करें। अब पति पत्नी क्या बात पे लड़ेंगे, तौलिया ठीक नहीं रखा, हम लोग अपना रोजगार बनाए, पति पत्नी की